ये है डेडली रेडवुड। यहाँ पे किसी का भी एक मिनट भी सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये खतरों से भरे हुए रेडवुड में हम 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, पूरे के पूरे 600 डेज सरवाइव करने वाले। और अपनी जर्नी को मुश्किल बनाने के लिए हमने इसमें डाले हुए प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल जैसे सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा हार्ड मोड। इस मोड के कारण इस रेडवुड में ऐसे क्रीचर, ऐसे बॉसेस आए जो आपने कभी भी देखे ना होंगे। ये बॉसेस आपको एक सेकेंड में यहाँ पे मार सकते हैं, आपके किसी भी डायनो की जो है ना एक सेकेंड में यहाँ पे पेटी बना सकते हैं। और ऐसे खतरों से भरे हुए रेडवुड में पूरे के पूरे 600 डेज हमको सरवाइव करने हैं। सरवाइव करने के साथ साथ हमको यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक वाली बॉस फाइट्स लेने हैं, काफी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस से जो बॉसेस है उनको टेम करना है, खतरनाक से डायनोस को टेम करना है, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करनी है और यहाँ पे पूरे के पूरे 600 डेज सर्वाइव करने। तो गाइस इस खतरों से भरे हुए रेडवुड में क्या हम 600 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना। और गाइस इस 600 डेज में मैं जो है ना गाइस एक खतरनाक से डायनो को पब्लिक डिमांड पे जो है ना गाइस टेम करने वाला, वो है फ्यूरॉक्स। यस गाइस काफी पब्लिक यहाँ पे डिमांड कर रही है सेलेस्टियल फ्यूरॉक्स बॉस को टेम करने की, लेकिन वो अभी हम टेम नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मिशन इस वीडियो में रहेगा कुछ भी करके हम फ्यूरॉक्स को टेम कर पाए। तो गाइस चलिए हमारी ये खतरों से भरी हुई जर्नी बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन गाइस आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे हमारे चैनल पे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, गाइस फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमारे लिए जो है ना गाइस काफी ज्यादा मायने रखता है। और गाइस इस वीडियो को जो है ना गाइस हम एम रख रहे हैं यहाँ पे 7000 लाइक का। जैसे इस वीडियो को 7000 लाइक हो जाएंगे इसका अगला पार्ट जो है ना गाइस अपलोड हो जाएगा। मेरे को पता है 24 आवर्स के अंदर इसको जो है ना गाइस 40 से 50,000 व्यूज आ जाएंगे। तो जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप फटाफट से लाइक कर दोगे तो एक दिन के अंदर यहाँ पे 7000 लाइक बड़े आराम से हो जाएंगे। तो कल ही जो है ना गाइस अगला पार्ट इस वीडियो का आ जाएगा। जिनको भी पता नहीं मैं बता दूं, इस वीडियो के जो है ना गाइस 5 पार्ट 500 डेज वाले जो है ना 5 पार्ट पहले अपलोड हो चुके। अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो भाई आप चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में वो सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हो। उस 500 डेज में हमने काफी ज्यादा खतरनाक वाली आर्मीज बनाई थी, बॉसेस को टेम करा था, लेकिन हमारी जर्नी इस खतरों से भरे हुए आइलैंड पे जस्ट शुरू हुई है। और आज के इस एपिसोड में हम उस जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। तो चले गाइस करते हैं आज का एपिसोड शुरू। और गाइस एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गेमिंग विद एनी का चैनल भी है जहां पे आर्क की वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ब्लॉगिंग चैनल और आर्क के जो चैनल है ना गाइस उसको जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले भाई लोग इस खतरों से भरी हुई जर्नी को हम शुरू करते और देखते कि हम यहाँ पे पूरे के पूरे 600 डेज सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आपने 500 डेज वाली वीडियो में देखा ही होगा कि हमने काफी ज्यादा खतरनाक वाले डायनोस को और बॉसेस को यहाँ पे टेम करने का काम करा था, काफी खतरनाक वाली बॉस फाइट्स ली थी और गाइस यहाँ पे जो ना कुछ खतरनाक वाले डायनोस को इवॉल्व भी करा था। तो 600 डेज में जो ना गाइस पहले दिन अपन को लेनी है खतरनाक सी बॉस फाइट, एंड उसके लिए हमको चाहिए गाइस आर्टिफैक्ट, और वो सारे आर्टिफैक्ट हमारे गॉड ऑफ श्राइन में यहाँ पे पड़े हुए, और देख रहे हो कितने ज्यादा आर्टिफैक्ट मेरे पास यहाँ पे जमा हो चुके हैं। और गाइस आर्टिफैक्ट के साथ साथ जो ना गाइस यहाँ पे बॉसेस के जो हेड है ना गाइस वो भी जमा हो चुके हैं। ये एक तरह से ट्रॉफी होते हैं जो अपन अपने घर पे जो ना गाइस सजा के रख सकते हैं। तो फटाफट जो ना गाइस यहाँ पे लगभग 12 से 13 ट्रॉफी जो है ना गाइस वो पड़ी हुई है, वो सबसे पहले हमारे घर पे जो ना गाइस सजाने का काम मैंने करा। तो भाई ट्रॉफी लगाने के लिए जो भाई ट्रॉफी का वो ट्रॉफी वॉल माउंट जो होता है गाइस वो मैंने फटाफट बना लिया, और मैंने काउंट करा तब टोटल जो ना गाइस 14 ट्रॉफीज थी, मतलब 14 बॉस के हेड जो है ना गाइस अपने गॉड ऑफ श्राइन में थे। तो सारे के सारे गाइस हेड मैंने उठाए और मैंने सोचा एक काम कर लेता हूं, ये सारे के सारे जो हेड है ना गाइस अपन लगाने वाले अपने घर के गेट के सामने भाई, ठीक है। तो भाई घर के राइट साइड में मैंने भाई 7 जो ना गाइस ट्रॉफीज के भाई वॉल माउंट लगाए और ऑपोजिट साइड में 7 लगा दिए, एंड उस भाई वॉल माउंट में जो ना गाइस मैंने ये बॉसेस के जो भाई खोपड़ियां होती है ना गाइस वो लगा दी।
A few moments later. तो गाइस ये रही ट्रॉफीज, ये हमारा भाई फर्स्ट पीकॉन भाई, देख रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके बाद ये डेजर्ट टाइटन है, उसके बाद वापस से ये पीकॉन है, उसके बाद ये है फॉरेस्ट टाइटन, ये हमारा आइस टाइटन, ये है भाई रॉक व्हेल, उसके बाद गाइस ये इसका नाम मैं भूल गया गाइस, पीकॉन रिवेंज आई थिंक ये, एंड उसके बाद गाइस वापस से रॉक व्हेल और ये फाइनल बॉस एक्सटेंशन का, और ये भाई कौन सा बॉस है ये मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। वापस से गाइस पीकॉन, उसके बाद वापस से पिकोन, ये जो ना गाइस अल्फा बिल्फा पिकोन है गाइस, ठीक है, उसके बाद रॉक वेल, एंड फाइनली गाइस यहां पे वापस से हमारा ये इसका नाम मैं भूल गया, आई थिंक ये पिकोन रिवेंज है। तो ये भाई आप पिकोन की तीन चार जो ट्रॉफीज देखी ना, वो क्या है पता है क्या, अल्फा बीटा गामा वो सारी पिकोन्स थे। और गाइस ये जो ट्रॉफीज है ना गाइस अपने घर के बाहर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, देख रहे हो इतने ज्यादा बॉसेस को मैंने मारा नहीं, फिर भी मेरे को उनके पॉकेट में हेड मिल गए। अभी जो ना गाइस स्टार्टिंग में ना गाइस हमको यहां पे करनी थी एक बॉस फाइट, अभी मैं बता देता हूँ कि मेरे को कौन सी बॉस फाइट करनी थी। तो बॉस फाइट करने से पहले जो ना गाइस मेरे पास जो सारा का सारा फालतू का सामान था और जो भाई डायनोस थे जो मैं बिल्कुल यूज नहीं करता था, वो सारे के सारे डायनोस जो ना गाइस मैंने यहाँ पे सोल टर्मिनल में डाल दिया और फालतू का सामान जो ना गाइस उस मीदी के अंदर डाल दिया। और गाइस अभी अपना मिशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस बॉस फाइट करने के लिए मेरे को काफी ज्यादा जो ना गाइस आर्टिफैक्ट चाहिए थे जो कि हमारे गॉड ऑफ श्राइन में पड़े हुए थे। तो मैंने सारे के सारे जो ना गाइस मैं एक टाइम पे सिर्फ चार आर्टिफैक्ट उठा सकता था, तो सारे के सारे आर्टिफैक्ट उठाए और सीधा निकल गया बॉस फाइट पॉइंट पे। अभी यहाँ पे मैं क्यों आया पता है क्या गाइस, यहाँ पे मेरे को बॉस फाइट लेनी थी टेरा नोवा से। तो गाइस टेरा नोवा जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक वाला यहाँ पे बॉस होता है। अभी आप बोलोगे मेरे को उससे ही फाइट क्यों लेनी है, तो गाइस टेरा नोवा से मैं इसलिए फाइट लेना चाहता था क्योंकि उसको मारने के बाद उसका टेमेबल वर्जन जो है ना स्पॉन होने के 10-20% चांसेस होते हैं। मतलब अगर अपन 10 या 12 टेरा को मारे ना तब हमको जो है ना गाइस एक टेरा नोवा वो भी टेमेबल वर्जन मिलने के चांसेस है, कंफर्म नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस यहां पे जो ना गाइस वो चांसेस मैं लेना चाहता था और इसलिए जो ना गाइस मैंने यहां पे टेरा नोवा को ढूंढा। और टेरा नोवा को जो ना गाइस यहां पे स्पॉन करने के लिए मेरे को चाहिए थे ये पर्पल वाले एसेंस गाइस, और ये पर्पल वाले एसेंस अपन को इतने आसानी से नहीं मिलते। ये एसेंस जो ना गाइस कमाने के लिए हमको और भी खतरनाक सी बॉस फाइट जो है ना गाइस वो लेनी पड़ती है। मेरे पास पहले से 5 जो है ना गाइस जो हमको 500 डेज वाली वीडियो में मिले थे वो पड़े हुए थे। तो हमको जो है ना गाइस अभी 10 और इसेंट चाहिए थे, और वो 10 और इसेंट जो है ना गाइस वो लेने के लिए मैंने सोचा हम एक काम कर लेते हैं, हमने जो भाई आर्मर्ड गीगा से फाइट करी थी ना 500 डेज में वही फाइट अपन वापस से करेंगे, लेकिन इस बार 10 बॉसेस को एक साथ तुम्हारा भाई हराने वाला था। यस गाइस एक साथ मैं यहां पे 10 बॉसेस को हराने वाला था, लेकिन ये बनाने के लिए मेरे को आर्टिफैक्ट की कमी पड़ रही थी। तो अपन जो है ना गाइस घर पे गए भाई, वहां से आर्टिफैक्ट उठाया भाई, टेलीपोर्ट मारा और ऐसे जो ना गाइस 4-5 राउंड मैंने मारे, और भाई जितने आर्टिफैक्ट यहाँ पे ये आर्मर्ड गीगा बॉस बनाने के लिए मेरे को चाहिए थे वो सारे आर्टिफैक्ट जो ना गाइस मैं अपने बॉस टर्मिनल में लेके आ गया। अभी बॉस फाइट करने के लिए जो ना गाइस हमको थोड़ा सा जो ब्लड है ना गाइस वो भी कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने फटाफट जो ना गाइस यहाँ पे नार्कोटिक बनाया, और नार्कोटिक जो है ना गाइस हमने रिसोर्स कन्वर्टर में डाल के यहाँ पे जो ना भाई बहुत सारा जो इटर्नल वाला ब्लड है वो बनाने के लिए यहाँ पे डाल दिया। तो गाइस यहाँ पे सारी चीजें जो बॉस फाइट लेने के लिए हमको चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी थी, लेकिन बॉस फाइट 10-10 बॉसेस से कौन भाई फाइट लेगा यहाँ पे भाई, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो मेरे पास 3 चॉइस थे, एक था गाइस हमारा खतरनाक सा इटर्नल अल्फा इंडोमेस रेक जो हमारा मेन डायनो है, उसके बाद गाइस इन्फर्नल इंडोमेस रेक जिसको हमने पिछले एपिसोड में जो ना गाइस इवोल्व करा था, और ये भाई अल्फा प्राइम इंडोमेस रेक जिसको मैंने भाई एफएम के पोषण खिला के बहुत ही ज्यादा टट्टी बना दिया था। तो गाइस जब मैंने डैमेज चेक कराना तब अल्फा प्राइम इंडोमेस रेक जो है ना गाइस उसका डैमेज सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया। मैं बोला आइला जादू ये कैसे हो गया भाई, तो भाई मेरे घर के बाहर एक यहाँ पे ना अल्फा डिमोनिक पैरासोरस था, मैं बोला चलो इसको भगवान के पास पूछा देते है, बट मैं शॉक हो गया ये देख के कि इसका डैमेज 85 मिलियन कैसे चला गया, क्योंकि अगर आपने भाई 500 डेज वाली वीडियो देखी थी तो आपको उसमें भाई पता चलता कि इसका डैमेज मैंने जो ना एफएम के पोषण खिलाने के बाद काफी ज्यादा कम हो गया था। और अभी जब मैंने इसका डैमेज चेक करा 85 मिलियन, मैंने जो ना इन्वेंटरी ओपन करके देखा कि इम्प्रिंटिंग वाला है कि नहीं, और भाई आप नीचे देख सकते हो पीछे वीडियो लेके जाओ और वहां पे देखो कि ये जो ना इम्प्रिंटिंग वाला ही अल्फा प्राइम इंडोमेस रेक से, मतलब मैं सच में भाई पूरा शॉक हो गया था, ये हुआ तो हुआ कैसा, ये देखो गाइस इम्प्रिंटिंग
वाला है गाइस, मैं सच में शॉक हो गया कि ये चीज कैसे हुई भाई। लेकिन जैसे भी हुई वो भाई, मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि हमारा जो अल्फा प्राइम इंडोमेस रेक्स है, जिसको मैंने टट्टी बना दिया था 500 डेज वाली वीडियो में, वो अभी सबसे ज्यादा पावरफुल वाला डायनो बन चुका था। और इसी से एक साथ 10-10 बॉसेस से फाइट अभी तुम्हारा भाई लेने वाला था। तो गाइस सारी चीजें यहाँ पे रेडी हो चुकी थी और अभी टाइम आ चुका था यहाँ पे 10-10 बॉसेस से एक साथ फाइट लेने का। तो मैंने जो ना गाइस यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जो ना गाइस 10 बॉसेस बनाने के लिए डाल दिए और गाइस मैं इंतजार करने लगा गाइस उनका स्पॉन होने का। और गाइस मैं यहाँ पे हमारे खतरनाक से इंडोमियस रेक्स को लेके चला गया इनविजिबल मोड में और मैं बस इंतजार कर रहा था कि वो बॉसेस यहाँ पे स्पॉन हो और वो जैसे ही स्पॉन होंगे मैं उनको सरप्राइज दूंगा। और भाई 85 मिलियन के डैमेज के साथ कहीं भाई एक फटके में वो बॉस ना मर जाए। तो गाइस मैं इंतजार करने लगा यहाँ पे गाइस बॉस के स्पॉन होने का। थोड़े टाइम बाद गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस वो बॉस स्पॉन हो गया, लेकिन मैं बोला नहीं नहीं भाई एक को नहीं भाई दो तीन को स्पॉन होने दो, उसके बाद भाई सरप्राइज दे दो। और दोनों को मैंने 68 मिलियन का डैमेज दे दिया। मजाक कर रहे हो क्या गाइस? और यहाँ पे जो ना गाइस अभी अपनी इन खतरनाक से आर्मर गीगा बॉस के साथ फाइट शुरू हो गई थी भाई। कुछ सेकंड के अंदर जो ना गाइस हमने फर्स्ट बॉस की पेटी बना दी थी एंड अभी जो है ना गाइस बचे हुए जो नौ बॉस है ना गाइस उनकी पेटी बनाने का काम मेरे को करना था। लेकिन भाई बचे हुए जो बॉस है ना गाइस वो मेरे से थर थर कांप रहे थे और मेरे नजदीक ही नहीं आना चाह रहे थे भाई। यहाँ पे उनके भाई बहन लोग जो है ना गाइस उनको मैं पेलम पाल दे रहा था और वो बॉसेस जो है ना गाइस बचे हुए वो वही पे बस देख रहे थे। तो गाइस मेरे जो भाई बॉसेस मेरे से भाई फाइट ले रहे थे उन दोनों बॉसेस की पेटी बनाई और सीधा कूद गया गाइस मौत के मुंह में। मैं इनविजिबल हो गया और अपना इनविजिबल वाला अटैक करके मैंने काफी ज्यादा बॉसेस की हेल्थ जो है ना गाइस लगभग 50% जो है ना गाइस यहां पे डाउन कर दी थी। उसके बाद बचे हुए सारे के सारे 6-7 बॉस जो है ना गाइस एक साथ मेरे ऊपर अटैक करने लग गए। लेकिन हम भी कोई भाई आंटू पांडू भाई डायनो लेके नहीं आए थे, हम यहां पे लेके आए थे अल्फा प्राइम इंडोमेस रेक्स। और हमारा इंडोमेस रेक्स इन सारे बॉसेस को काफी ज्यादा काटे की टक्कर दे रहा था और ये 10 के 10 बॉस भी जो ना एक साथ मिलके भी हमारे इंडोमेस रेक्स को यहाँ पे मार नहीं पाया। हमारे इंडोमेस रेक्स ने जो ना गाइस यहाँ पे इन सारे के सारे बॉसेस की पेटी बनाई थी। इनको मारने के बाद जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे मैंटीकोर का जो पूरा का पूरा सेट होता है ना गाइस वो मिला, हॉट पोशन मिला और एक दो जो ना गाइस अलग अलग पोशन भी जो ना गाइस वो मेरे को यहाँ पे मिल गए थे। मैं काफी ज्यादा यहाँ पे कुछ था लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे पास 10 इसेंस हुए कि नहीं तो हमको जो ना गाइस एक और इसेंस की जो ना गाइस यहाँ पे कमी पड़ रही थी। तो मैं वापस से गाइस बॉस फाइट टर्मिनल पे चला गया और वहां पे जो ना गाइस और दो आर्मर्ड गीगा बॉस जो ना गाइस वो मैंने यहाँ पे बना लिए। एंड गाइस तभी जो ना गाइस एक खतरनाक और डेंजरस से वाइब्रेंट ने मेरे ऊपर अटैक करा था लेकिन हमारे इंडोमेस रेक्स के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। अभी जैसे मैं इंतजार कर रहा था उन बॉसेस के जो ना यहाँ पे स्पॉन होने का, कुछ टाइम बाद गाइस वो दोनों के दोनों बॉसेस जो ना यहाँ पे स्पॉन हो गए और फिर मैं इनविजिबल मोड में गया और उनके लगभग 30-40% एचपी जो ना गाइस एक फटके में मैंने यहाँ पे डाउन कर दी थी। एंड गाइस इनको मारने में मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे भाई तकलीफ नहीं हुई भाई। कुछ सेकंड्स के अंदर जो ना गाइस मैंने इन आर्मर्ड गीगा बॉस की जो ना गाइस बैंड बजा के रख दी थी और हमको जो एसेंस चाहिए थे वो हमको मिल गए थे। और अभी टाइम आ चुका था गाइस एकदम खतरनाक और डेंजरस सी बॉस फाइट लेने का टीरा नोवा के साथ। तो गाइस मेरे पास जो सारे के सारे एसेंस थे मैंने डाल दिए यहाँ पे बॉस फाइट टर्मिनल में। एंड जब मैं टीरा नोवा को बनाने के लिए चला गया ना तब मेरे को पता चला कि हमको आर्टिफैक्ट की कमी पड़ रही है। तो मैं फटाफट अपने घर पे गया, गॉड ऑफ श्राइन जो ना गाइस उसमें से मैंने आर्टिफैक्ट उठाया और गाइस वो आर्टिफैक्ट जो ना गाइस वो लेके आ गया बॉस फाइट पॉइंट पे एंड मैंने बनाने के लिए डाल दिया गाइस यहाँ पे टीरा नोवा। तो गाइस टीरा नोवा जो ना गाइस काफी ज्यादा खतरनाक वाला बॉस होता है तो मेरे को जो ना उससे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए जो ना गाइस मैंने फटाफट और ज्यादा एफएमके वाली हीलिंग पोशन जो ना गाइस वो बना दिए क्योंकि भाई यहाँ पे मैं मरने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके बाद मैं इनविजिबल मोड में जो ना गाइस यहाँ पे बैठ गया और मैं इंतजार करने लगा गाइस यहाँ पे टीरा नोवा के स्पॉन होने का। थोड़े टाइम बाद यहाँ पे टीरा नोवा स्पॉन हो गया और भाई 1200 लेवल का टीरा नोवा, उसको जब मैंने भाई एक खतरनाक सा इनविजिबल अटैक दिया ना तो उसकी एचपी लगभग 20% तक यहाँ पे डाउन हो गई। और मैं यहाँ पे समझ गया कि यहाँ पे इस टीरा नोवा की बड़े आराम से मैं बैंड बजा सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे टीरा नोवा मेरे को 3 मिलियन का डैमेज दे रहा था और मैं उसको दे रहा था 2 मिलियन का डैमेज।
डैमेज है, और इसने अपने मिनियन जो स्पॉट करके रखे थे वो मेरे से डर के जो ना काफी ज्यादा दूर भाग गए थे, इसलिए इसने वापस से जो ना गाइस अपने कुछ मिनियन जो ना गाइस वो स्पॉन कर लिए। लेकिन ये मिनियन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि कतई ज्यादा खतरनाक एंड डेंजरस वाला डायनो जो ना गाइस वो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। और कुछ टाइम के बाय फाइट के बाद ही मैंने इसकी 50% HP जो ना गाइस यहाँ पे डाउन कर ली थी। फिर मैंने सोचा एक काम कर लेता हूँ, इसको वापस से इनविजिबल वाला जो अटैक है वो दे देता हूँ, और इसकी HP जो ना गाइस बस अभी 40% ही बची थी। तो गाइस यहाँ पे ये टेरानोवा में इसलिए टेम करना चाहता था क्योंकि गाइस इसके पास एक खतरनाक सी पावर होती है, ये देखो गाइस फ्लेमिंग वाली पावर, और गाइस इससे हम किसी भी डायनो को बॉस को बड़े आराम से मार सकते थे। लेकिन गाइस ये टेरानोवा जो ना मेरे सामने खास कुछ टिक नहीं पाया, उसको मारने से पहले मैंने अपनी इन्वेंट्री खाली कर दी ताकि वो मरने के बाद जो भी सामान मिले मेरे इन्वेंट्री में ऐड हो जाए। और ये टेरानोवा खास मेरे सामने कुछ टिक नहीं पाया, लेकिन जब वो मरा ना तब मैंने आजू बाजू देखा कि कहीं पे उसका टेमेबल वर्जन तो स्पॉन नहीं हुआ, और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी जो ना गाइस मेरे को उसका टेमेबल वर्जन नहीं दिखा। मतलब इतनी ज्यादा मेहनत गाइस चली गई हमारी पानी में। गाइस बुरा तो काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन इतने ज्यादा जल्दी मैं हार मानने वालों में से नहीं था। इस टेरानो बॉस को मारने के बाद मुझे कुछ भाई पर्पल जो ना इसेंस और कुछ जो ना व्हाइट इसेंस मिले थे। व्हाइट इसेंस जो ना गाइस आगे जाके फ्यूचर में जो ना समोनिक रेजिमेंट उसको बोलते हैं, वो जो ना गाइस फ्यूचर में जाके काफी खतरनाक वाले बॉसेस को भाई स्पॉन करने के काम अपने आने वाले थे। तो वो सारी चीजें जो ना गाइस मैंने यहाँ पे बॉस फाइट पॉइंट के अंदर डाल दी, और अभी मेरे को वापस से जो ना गाइस 15 जो ना आर्मर्ड गीगा बॉसेस को एक साथ हराना था। तो गाइस उनको बनाने के लिए कौन सी चीज की कमी पड़ रही है जब मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि मेरे को सिर्फ आर्टिफैक्ट जो ना गाइस उसी की कमी पड़ रही है। तो मैं फटाफट घर पे चला गया, और गाइस 4-5 राउंड जो ना गाइस घर से लेके भाई बॉस फाइट पॉइंट तक 4-5 राउंड मार दिए, और 4-4 3-3 करके जो ना गाइस मैं यहाँ पे 15 से 16 आर्टिफैक्ट जो ना गाइस वो लेके आ गया। एंड अभी टाइम आ चुका था 1 साथ 15 आर्मर्ड गीगा बॉसेस को मारने का। तो मैंने जो ना गाइस यहाँ पे 15 आर्मर्ड गीगा बॉसेस बनाने के लिए डाल दिए, और मैं इंतजार करने लगा गाइस उनके स्पॉन होने का। कुछ टाइम बाद गाइस ये गीगा बॉस स्पॉन भी हो रहे थे एक एक करके, और गाइस यहाँ पे जैसे 3 बॉस स्पॉन हुए मैंने उनके ऊपर फुल टू धावा बोल दिया। और गाइस अभी 3-3 बॉसेस को मेरे को नहीं मारना था, मेरे को सारे बॉसेस की जो ना गाइस यहाँ पे 1 साथ भुर्जी बनानी थी, इसलिए मैंने अपने इंडोमेस रेस को जो ना गाइस सीधा उनके आर्मी के अंदर घुसा दिया। भाई कुछ बॉसेस को जो ना गाइस मैं पहले ही मार चुका था, और कुछ बचे कुछ जो ना भाई 6-7 बॉस यहाँ पे थे उनको भी मारने का काम मेरे को करना था। तो गाइस जब मैं इनको मार रहा था ना, तभी गाइस साइड में देख रहे हो गाइस उस स्पिरिट वाला जो ना गाइस एक गोरिल्ला स्पॉन हो गया था, जो न्यूक टोड़ो के ऊपर जो ना अपने लावा के पत्थर फेंक रहा था। ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वहां पे खतरनाक सा स्पिरिट वाला जो है ना गाइस दिखाई देगा गोरिल्ला। अभी ये भी एक तरह का बॉस था, जब मैं उसको देख रहा था तभी यहाँ पे स्पिरिट मैंटिकोर भी जो है ना गाइस स्पॉन हो गया, वो अपने छोटे छोटे जो है ना मिनियन को स्पॉन करके उनसे मेरे ऊपर बम फटवा रहा था। भाई क्या बॉस है भाई ये बॉस जो है ना मैंटिकोर वाला, ये मेरे को काफी खतरनाक लगा। लेकिन ये खास जो है ना गाइस मेरे सामने टिक नहीं पाया, मैंने फटाफट इसको मारने से पहले सारा मीट नीचे डाल दिया, क्योंकि इसको मारने के बाद मेरे को काफी ज्यादा चीजें जो है ना गाइस वो मिल गई थी। और गाइस इसका जो ना एक टेमेबल वर्जन भी होता है जो इसी बॉस को मारने के बाद मिलता है, लेकिन वो टेमेबल वर्जन जो ना अभी स्पॉन नहीं हुआ था। तो अभी टाइम आ चुका था उस गोरिल्ला बॉस की यहाँ पे भुर्जी बनाने का। तो गाइस मैं सीधा चला गया उस बॉस के पास, और उसको जो ना गाइस मारना मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। ये जो ना गाइस मेरे ऊपर लावा के पत्थर वित्तर जो ना गाइस फेंकने का काम कर रहा था, लेकिन गाइस मेरी HP जो है ना गाइस वो काफी ज्यादा तगड़ी थी, और मेरे पास जो ना गाइस आर्मर भी काफी तगड़ा था, इसलिए जो ना गाइस इसका भाई इतना ज्यादा अटैक मेरे ऊपर पड़ा नहीं, और मैंने भी उसको भाई 64 मिलियन का एक फटका देके डायरेक्टली उसकी भुर्जी बना दी। एंड अभी गाइस यहाँ पे टाइम आ चुका था एकदम खतरनाक और डेंजरस से टेरानोवा बॉस को वापस से स्पॉन करने का, और गाइस यहाँ पे बॉस फाइट लेने का। जब मैं गाइस यहाँ पे चेकआउट कर रहा था कि बॉस फाइट करके मेरे को क्या क्या सामान मिला है, तभी मेरे को एक मिला खतरनाक सा आर्मर स्टोन। ये स्टोन अगर अपन अपने डायनो को पहना देते हैं ना, तो अपने डायनो को काफी तगड़ा वाला आर्मर मिलता है, और अभी मेरे इंडिवेस रेक्स को कोई भी यहाँ पे मारने नहीं वाला था, क्योंकि उसके पास एक खतरनाक सा आर्मर स्टोन था जो भाई अपने इंडिवेस रेक्स को एकदम खतरनाक वाला आर्मर देने वाला था। उसके बाद गाइस मैं फटाफट गया और यहाँ पे टेरानोवा को बनाने के लिए डाल दिया। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे टेरानोवा जो ना
स्पॉन हो गया, मैं इनविजिबल था, मैंने इनविजिबल वाला अटैक जो ना उस टेरा नोवा के ऊपर फुल टू चिपका डाला। और गाइस आपको पहले पता है टेरा नोवा मेरे को कितना डैमेज दे रहा था, 3 मिलियन का। लेकिन अभी वाला टेरा नोवा जो है ना गाइस मेरे ऊपर सिर्फ 1 मिलियन का डैमेज दे पा रहा था, क्योंकि हमने एक खतरनाक सा जो स्टोन पहनाया था ना अपने इंडोमेचर एक्स को, उसके कारण अपने इंडोमेचर एक्स को एकदम ओपी वाला जो ना गाइस यहां पे आर्मर मिल रहा था। उस रीजन से जो ना गाइस ये टेरा नोवा मेरे को उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा था। तो भाई इसको जो ना इनविजिबल अटैक दे के जो ना गाइस फाइनली मैंने इसकी यहां पे पीटी बना दी। इस टेरा नोवा बॉस को मारने के बाद जो है ना गाइस मैं आजू-बाजू देखने लग गया कि इसका टेमेबल वर्जन स्पॉन हुआ है कि नहीं। लेकिन गाइस हाय रे मेरी फूटी किस्मत भाई, 2 टेरा नोवा बॉसेस को मारने के बाद भी यहां पे उसका टेमेबल वर्जन मेरे को नहीं मिला था। भाई सच में गाइस मेरे को दिल से काफी ज्यादा बुरा लगा, मेरा भाई यहां पे थोड़ा सा दिमाग भी घुमा, क्योंकि गाइस इस टेरा नोवा बॉस को जो है ना गाइस बनाने के लिए इतने रिसोर्स लगे थे गाइस, इतने बॉसेस को मारना पड़ा था, उन सब में जो ना गाइस हमारे काफी ज्यादा दिन जो है ना गाइस वेस्ट हो गए थे। और हमको जो ना एक मैंटिक और आर्मर के अलावा और कोई भी काम की चीज भाई इतने दिनों में नहीं मिली थी भाई। फिर उसके बाद मैंने सारी की सारी जो चीजें मेरे को मिली थी बॉस फाइट से वो मैंने टर्मिनल के अंदर भाई डाल दी। तो गाइस इन बॉस फाइट में जो ना गाइस मेरे को कोई काम की चीज नहीं मिली थी, लेकिन गाइस इस टर्मिनल में मैंने जब देखा तब मेरे को ऐसे कुछ बॉस मिले जो मेटल वुड एंड स्टोन से बन रहे थे। तो मैंने उसमें से जो मेटल से बनने वाला जो बॉस है उसको यहाँ पे फटाक से स्पॉन कर लिया, बना लिया। और ये था एक खतरनाक और डेंजरस सा दिखने वाला एंकलोसॉरस। मजाक कर रहे हो क्या, इसका लुक तो देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसके बाद गाइस इनविजिबल होके मैंने उस एंकलोसॉरस को 2 फटकों में यहाँ पे भगवान के पास पहुंचा दिया। देख रहे हो गाइस हमारे इंडोमेसुरेक्स की पावर, इंडोमेसुरेक्स ओपी जो ना नीचे कमेंट में होना चाहिए गाइस। इस वीडियो को हम 1000 कमेंट का गोल रख रहे, तो फटाफट जो ना गाइस कमेंट कर देना, 1000 कमेंट जो ना गाइस हो जाने चाहिए भाई फटाक से। तो जब मैंने इस भाई एंकलोसॉरस को मारा तो उसमें से जो ना गाइस मेरे को 2 खतरनाक सी चीजें मिली थी। अभी वो चीजें क्या है वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे घर पे टेलीपोर्ट मार दिया। घर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले जो ना गाइस यहाँ पे जिंक्स करके कुछ था उसको मैंने स्पॉन करा, तो ये एकदम ओपी और खतरनाक सा एक वुल्फ निकला भाई। इसका लुक देख रहे हो गाइस, नेक्स्ट लेवल लुक था गाइस। और ऐसे लग रहा था कि इसकी पूरी बॉडी जो ना गाइस वो हिल रही है, देख रहे हो, ऐसे लग रहा था इसकी पूरी बॉडी जो ना गाइस ऐसे हिल रही है। और इसके पास कोई भी स्पेशल अटैक नहीं था, जब मैंने चेकआउट करा तो कोई भी स्पेशल अटैक नहीं मिला, सिर्फ इसके पास जो ना गाइस एक बाइट वाला अटैक है वही है। लेकिन इसका लुक जो ना गाइस वो काफी खतरनाक लग रहा था गाइस। इसके इस लुक के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है। उसके बाद जो ना गाइस मैंने फटाफट इस वुल्फ को जो ना गाइस यहां पे लेवल अप कर दिया। लेवल अप करने के बाद गाइस इसका इमोट देख रहे हो कितना खतरनाक वाला इमोट कर रहा था भाई हमारा ये वुल्फ। एंड हमने जो ना गाइस इसकी थोड़ी सी लेवल अप कर ली थी, एंड अभी टाइम आ चुका था गाइस इसका यहां पे डैमेज चेकआउट करने का। तो गाइस जब मैं इसका डैमेज चेकआउट करने गया ना तो इसका डैमेज गाइस इस वुल्फ का उतना ज्यादा नहीं जा रहा था, लगभग 1.5 लाख के करीब इसका डैमेज जा रहा था। लेकिन गाइस इसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी एंड ओनली बाइट अटैक था, इसलिए गाइस मेरे को ये वुल्फ जो ना गाइस उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। इसका लुक एक नंबर था गाइस। तो भाई मैंने इसको फटाक से जो ना गाइस यहां पे क्रायोपोड कर लिया। और हमको एक सेकंड चीज मिली थी गाइस उस बॉस फाइट से, वो थी ये पर्पल ऑर्ब। और जैसे मैंने उसको भाई यहां पे टच करा उसमें से एक पर्पल कलर का खतरनाक सा डंग बीटल बाहर आ गया, काफी खतरनाक लग रहा था गाइस ये डंग बीटल। हां वो अलग बात है कि इसको मैं पिकअप भी नहीं कर सकता था और इसके ऊपर राइड भी नहीं कर सकता था। और इसके भाई सींग के अंदर से ना अलग तरीके की एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इसके इन्वेंटरी में जो ना गाइस हम कुछ चीजें जो ना गाइस वो बना सकते थे। अब ये डंग बीटल का काम क्या है ये मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन इसका जो लुक है ना गाइस वो काफी खतरनाक लग रहा था। आपको जो ना गाइस ये डंग बीटल जो है ना कैसे लगा नीचे कमेंट मार के जरूर बता देना। इसके अंदर शायद हम कुछ फर्टिलाइजर बीडिलाइजर बना सकते थे, लेकिन वो अभी अनलॉक नहीं थे इसलिए मैं भाई इसके अंदर वो चीजें बना नहीं सकता था। और गाइस बॉस फाइट करने से मेरे को जो ना मैंटिकोर का ये पूरा का पूरा आर्मर भी मिला था। इस आर्मर में तुम्हारा भाई जो है ना गाइस काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना गाइस। और गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस इस आर्मर के कारण ना मेरे को काफी ज्यादा अलग अलग जो पावर्स है ना वो भी मिल गई थी, सुपर स्पीड। एंड उसके बाद जब मैं पानी में कूदा तो पानी के अंदर की हर एक चीज मैं क्लियर देख पा रहा था भाई, पानी के अंदर मैं दूर दूर तक देख पा रहा था। ये जो ना गाइस इसके हेलमेट का कमाल था, इसके कारण जो ना पानी के अंदर अपना विजन जो है ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका था। मेरे को ये आर्मर जो है ना काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन इसकी सुपर स्पीड है ना गाइस वो मेरे को उतनी पसंद नहीं आई यार, क्योंकि भाई फ्लैश की तरह दौड़ते रहते और हमको जहां पे रुकना होता है ना गाइस वहां पे कभी भी अपन नहीं रुकते। फिर मैंने बोला चलो भाई लगता है कि अपन भगवान बन चुके, इसलिए गाइस ये आर्मर
लेके जो ना गाइस मैं चला गया गाइस इसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, और भाई साहब बियर ने मेरे ऊपर अटैक करा, फिर भी जो ना गाइस यहां पे मैं मरा नहीं। मेरे को बियर भी 55 का ही डैमेज दे रहा था, लेकिन वो ब्लीडिंग डैमेज काफी ज्यादा दे रहा था, इसलिए वहां से मैं कल्टी मारा। मैं चाहता था ये थाइलो कोलियो मेरे ऊपर जंप करके मेरे को मार दे, लेकिन ये थाइलो कोलियो जो ना गाइस ये मेरे ऊपर जंप ही नहीं कर रहे थे भाई, लगता है गाइस अपन से डर गए। फिर जो ना गाइस क्या करा पता है क्या, मैंने गन निकाली और मैं बोला चलो भाई इनको जो ना भाई नीचे उतार देता हूं ताकि मेरे ऊपर अटैक करे। लेकिन दहशत भाई, दहशत का दूसरा नाम जो है ना गाइस वो राहुल है, और गाइस जैसे वो नीचे उतरे ना गाइस उनको पता चल गया था मैंने गॉड आर्मर पहना, इसलिए जो ना गाइस वो भागने लग गए। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि उनको टॉर्पोर चढ़ गया था इसलिए वो भाग रहे थे, ना रे ना भाई, वो तुम्हारे भाई का डर गाइस खौफ, इसलिए जो ना गाइस वो भाग रहे थे। एंड भाई रास्ते में जाते जाते ना भाई हर एक डायनो को मैं उंगली करने का काम कर रहा था, लेकिन ये डायनोस खतरनाक से ना मेरे को मार ही नहीं पा रहे थे क्योंकि अपने पास एकदम खतरनाक सा गॉड आर्मर आ गया था। लेकिन ये आर्मर मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए जो ना गाइस मैंने फटाफट अपना जो ओरिजिन वाला आर्मर है ना गाइस वो वापस से यहाँ पे पहन लिया। एंड उसके बाद जो ना गाइस मैंने यहाँ पे स्टोन, सीमेंटिंग पेस्ट, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये सारी चीजें जो ना गाइस वो फटाक से यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। आप बोलोगे इन चीजों से क्या करने वाले, तो गाइस अभी हमको यहाँ पे बनानी थी डंग बिटल की आर्मी। तो गाइस जिस बॉस को हमने मेटल से बनाया था ना गाइस उससे हमको जो ना गाइस मिला था पर्पल वाला डंग बिटल। अगर अपन भाई दूसरे किसी भाई चीज से कोई बॉस बनाते हैं ना गाइस तो उससे हमको अलग कलर का डंग बिटल मिलता है, इसलिए जो ना गाइस मैं रिसोर बॉस फाइट पॉइंट पे लेके चला गया और यहाँ पे चार बॉसेस को मेरे को पेलना था। तो जब मैंने एक साथ दो बॉस बनाने की कोशिश करी ना तब यहाँ पे गाइस दो बॉस नहीं बने, मतलब अपन को एक एक करके जो ना गाइस यहाँ पे इन बॉसेस से फाइट लेनी थी। तो भाई सेकंड वाला जो बॉस है गाइस वो यहाँ पे स्पॉन हो रहा था, मैं बोला चलो भाई अभी यहाँ पे इन्फर्नल वाला इंडोमेस रेक्स निकला है तो इसी से जो ना गाइस यहाँ पे फाइट कर लेते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे इनविजिबल मोड में चला गया और गाइस हमारा सेकंड बॉस था एक चमकीला गोल्डन बीवर। भाई साहब क्या ओपी लग रहा है गाइस ये बीवर, इसको केस्टो बोलते हैं लेकिन मैं इसको गाइस बीवर बुलाता हूं। गाइस जब मैंने भाई इस केस्टो को मतलब बीवर को मेरे भाई इंफर्नल वाले इंडोमेस रेक्स से मारने की कोशिश करी ना तो मेरा डैमेज जो है ना गाइस बहुत ही ज्यादा कम पड़ रहा था, इसकी हेल्थ काफी ज्यादा थी और मेरा डैमेज सिर्फ 1 मिलियन का पड़ रहा था, तो इसको मारने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए गाइस मैं थोड़ा सा दूर गया और अपना पुराना वाला जो इंडोमेस रेक्स है ना गाइस अल्फा प्राइम इंडोमेस रेक्स उसको निकाला। और गाइस यहाँ पे इनविजिबल मोड में जाके मैंने दो फड़कों में इसकी बैंड बजा के रख दी, तभी गाइस यहाँ पे खतरनाक सी चीज स्पॉन हुई, वो था घोस्ट सेबर टूथ बॉस। मेरे को लगा टेमेबल वर्जन है पहले ये, लेकिन ये टेमेबल वर्जन नहीं था, ये बॉस था। और गाइज इसको जो ना मारने में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि बीच बीच में गायब हो रहा था और उसके कारण जो ना कैसे हमको दिखाई नहीं दे रहा था, ये था घोस्ट सेबर, इसलिए ये जो ना अपनी घोस्ट पावर यूज करके गायब हो रहा था। मैंने जब इसके ऊपर एक अटैक करा ना उसके बाद भाई साहब इसने तो मेरे ऊपर मीटियर शावर करा दिया भाई, मतलब मेरी फुल टू बैट बजा के रख दी, उसके बाद मेरे को दिख ही नहीं रहा था कहाँ गया भाई, मैं जो ना कैसे यहाँ पे अंधा मारने लग गया भाई। ठीक है मैं रैंडमली यहाँ वहाँ जो ना भाई बाइट अटैक करने लग गया क्योंकि इसका जो ना इनविजिबल वाला अटैक जो ना काफी ज्यादा खतरनाक था। एंड कुछ टाइम बाद जो ना गाइस इस घोस्ट सेबर की भी अपन ने बैंड बजा के रख दी, इसको मारने के बाद जो ना गाइस मेरे को थोड़े से जो ना गाइस यहाँ पे रिसोर्स मिल गए थे। और गाइस अभी जो ना गाइस टाइम आ चुका था सेकंड वाले बॉस को मारने का। तो गाइस हमारा जो सेकंड वाला यहाँ पे बॉस था ना गाइस वो था एकदम खतरनाक एंड ओपी सा दिखने वाला गोल्डन डियोडन, पता नहीं गाइस इसका नाम जो ना गाइस क्या है मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसका लुक काफी खतरनाक था भाई। फिर इसको भी जो ना गाइस अपने मस्त बेकी जो ना यहाँ पे 2-3 पटके मारे और इसकी भी जो ना गाइस बैंड बजी, और इसको मारने के बाद मेरे को येलो वाला डंग बिटल है ना गाइस वो मिल गया था, मतलब जिस कलर के बॉस हो गए ना उनको मारने के बाद आपको डंग बिटल भी जो ना गाइस उसी कलर का मिलेगा। उसके बाद गाइस मैंने थर्ड वाले बॉस को यहाँ पे स्पॉन करा जो था यहाँ पे ग्रीन कलर का खतरनाक सा फ्रॉग, इसने जो ना गाइस यहाँ पे मेरे को इनविजिबल होने का मौका ही नहीं दिया, अपनी बड़ी सी जबान से जो ना गाइस इसने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था जिसके कारण जो ना गाइस मैं यहाँ पे इनविजिबल नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ा टाइम इससे बैटल करने के बाद जो ना गाइस इस फ्रॉग के अपन ने बैंड बजा के रख दिया और इस फ्रॉग को मारने से मेरे को ग्रीन वाला डंग बीटल मिल गया था। अभी बारी थी गाइस फाइनल बॉस की और यहाँ पे फाइनल बॉस आ गया एकदम खतरनाक एंड ब्लू कलर का पेंगुइन भाई, ये मेरे को काफी ज्यादा कूल लग रहा था यार, इसका लुक काफी खतरनाक लग रहा था। तो इसको भी जो ना गाइस अपन ने 2-3 फटकों में यहाँ पे मस्त देखिए पेलम पाल दे दिया
और इसको मारने के बाद जोनागेस अपन को ब्लू कलर का डंग बीटल मिल गया। अपने पास जोनागेस डंग बीटल की पूरी जो आर्मी है ना गाइस वो आ गई थी। फिर मैं उन सारे के सारे डंग बीटल को जोनागेस लेके चला गया गाइस अपने घर के पास। एंड गाइस घर के पास जब मैं गया मैंने अपने इन्वेंटरी में देखा ना तो डंग बीटल के अलावा एक और चीज मेरे को दिखाई दे रही थी। मैंने उसको जैसे स्पॉन करा यहाँ पे एक क्यूट सा फ्यूरॉक्स आ गया था। भाई इसका लुक तो देखो भाई, सच में कैसे इसका लुक देखना गाइस, कितना क्यूट लग रहा है। इसके भाई छोटू छोटू से नन्नू मुन्नू से दांत देखो गाइस कैसे बाहर आ रहे हैं। भाई इसका लुक देखो, चुबी चुबी सा गोलू मोलू सा लुक देखो गाइस इसका। इसके कान देखो, इसकी पूंछ देखो गाइस। ये फ्यूरॉक्स को देखने के बाद जो है ना गाइस मैं इसके प्यार में पागल हो गया। मैंने क्या करा पता है क्या, सबसे पहले मैं इसको मैक्स लेवल का करना चाहता था ताकि जो है ना गाइस मैं इसके एचपी में पॉइंट डाल सकूं ताकि इसको कोई भी ना मार पाए। मैंने इसको जो है ना गाइस एक ट्रैकर भी खिला दिया ताकि मरने के बाद अगर मैं कभी मर जाता हूँ ना तो मैं फ्यूरॉक्स को अपने पास वापस से बुला सकूँ। एंड इसका लुक देख के ना मैं काफी ज्यादा पागल हो गया था। प्लस यहाँ पे मैं इसको एलिमेंट भी खिला सकता था। और आपको पता है कि अपन अगर किसी फ्यूरॉक्स को एलिमेंट खिलाते तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो एक बड़ा सा फ्यूरॉक्स बन जाता है। तो मैंने जो ना गाइस इसको एलिमेंट खिलाने का काम जो ना गाइस वो शुरू कर दिया। एलिमेंट खाते वक्त जो ना गाइस ये फ्यूरॉक्स को ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। इसे एलिमेंट मेरे हाथ से उठा रहा था और नुम 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 करके खा रहा था। भाई ये सच में भाई काफी क्यूट है गाइस। अगर आपको ये फ्यूरॉक्स क्यूट लगा होगा ना तो कमेंट में ऐसा जो है ना हार्ट स्पैम कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसा हार्ट स्पैम कर देना मेरे को ये कुछ ज्यादा ही क्यूट लग गया। और इस फ्यूरॉक्स के लिए ना कुछ क्यूट क्यूट से नाम चाहिए भाई। अगले वाले वीडियो में इस फ्यूरॉक्स को मैं नाम दूंगा भाई, काफी क्यूट है यार ये फ्यूरॉक्स। इस क्यूट से फ्यूरॉक्स को एलिमेंट खिला खिला के मैंने इसका नीचे का बार एडिक्शन जिसको बोलते वो फुल कर दिया था, लेकिन फिर भी जो ना गाइस ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये क्यूट सा फ्यूरॉक्स जो ना गाइस वो यहाँ पे बड़ा नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी जो ना गाइस ये मेरे को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था गाइस। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में जाके चेकआउट करा कि यहाँ पे इसको इवॉल्व करने का मतलब बड़ा करने का कोई ऑप्शन है क्या, नहीं मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। फिर मैंने जो ना गाइस इसको कंधे पे उठाया और जैसे कंधे पे उठाया ना गाइस ये देख रहे हो कैसे जंप करने लग गया यार, कितना क्यूट फ्यूरॉक्स लग रहा है भाई सच में। मैंने वापस से इसको जो ना गाइस कंधे पे यहाँ पे उठाया लेकिन इस बार इसने जंप नहीं करा, लेकिन देख रहे हो कैसे भाई मेरे कंधे पे बैठा हुआ है भाई हमारा प्यारा प्यारा सा क्यूट क्यूट सा फ्यूरॉक्स। फिर मैंने जो ना गाइस इसके हेल्थ में काफी ज्यादा पॉइंट डाल के इसकी लेवल अप कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस फ्यूरॉक्स को यहाँ पे मारे, क्योंकि मेरा ये सबसे फेवरेट वाला डायनोज ना इस सीरीज में बन गया था। फिर मैं अपने क्यूट क्यूट से फ्यूरॉक्स को लेके ना गाइस हवाई सफर पे चला गया। देख रहे हो कैसे जमीन के नीचे देख रहा है भाई। हाँ ऐसे जो ना गाइस फ्यूरॉक्स उतना ज्यादा क्यूट नहीं लग रहा है, लेकिन गाइस इससे इसके साथ जो ना गाइस यहाँ पे हवाई सफर करके ना गाइस काफी ज्यादा मजा आ गया। अभी गाइस फ्यूरॉक्स की बातें काफी ज्यादा हो गई गाइस, अभी टाइम आ चुका था हमारे डंग बीटल्स को ना गाइस यहाँ पे स्पॉन करने का। तो एक एक करके सारे डंग बीटल को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। एंड गाइस ये रही हमारी डंग बीटल की खतरनाक सी आर्मी। इसमें जो ना गाइस एक क्यूट क्यूट सा और खतरनाक सा जो ना गाइस पर्पल कलर का डंग बीटल था, जिसके जो है ना सर के अंदर से कुछ पार्टिकल निकल रहे थे ये येल्लो कलर का था, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी ये हमारा ग्रीन हल्क भाई, इसके सर के अंदर से कुछ भी निकल रहा था ये हमारा ब्लू कलर का डंग बीटल, जिसके पैर के नीचे से भाई कुछ हवाएं निकल रही थी स्मोक निकल रहा था, और ये रहा ऑरेंज कलर का डंग बीटल। ये डंग बीटल की जो आर्मी है ना गाइस ये काफी ज्यादा कूल लग रही थी, और इनके इन्वेंटरी में जो ना गाइस हम कुछ चीजें भी बना सकते थे लेकिन वो अभी तक अनलॉक नहीं थी, इसके कारण वो चीजें हम यहाँ पे बना नहीं पाए। और गाइस यहाँ पे जो ना गाइस आपको इन डंग बीटल में से सबसे ज्यादा खतरनाक एंड क्यूट सा डंग बीटल कौन सा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। हाँ इनको जो है ना गाइस हमने ऐसे टाइम पास के लिए भाई यहाँ पे टेम करा था, इनका इस आर्क इटर्नल में जो ना गाइस हमारे लिए फिलहाल के लिए भाई जीरो यूज था, इनके अंदर कुछ चीजें बन रही थी वो अभी बना नहीं सकते थे तो हमारे लिए डंग बीटल जो है ना यूजलेस थे, लेकिन कलरफुल डंग बीटल की आर्मी काफी क्यूट लग रही थी गाइस। तो मैंने गाइस सारे के सारे डंग बीटल को क्रायो करा, उसके बाद गाइस मैंने आके देखा तो हमारे पास जो ना गाइस एपिक्स वाला सिर्फ एक अंडा था जो भी मैं चुरा के लाया था। फिर मैंने सोचा एक काम कर लेते बेस क्या कि यहाँ पे जो ना गाइस एपिक्स वाले डायनोस को टेम करने का भी टाइम आ चुका था गाइस। ठीक है तो मैंने फटाफट से जो ना गाइस यहाँ पे एपिक्स वाले जो किबल है ना गाइस जितने मेरे पास बन सकते थे ना गाइस उतने यहाँ पे बनाने के लिए डाल दिए। एंड अभी टाइम आ चुका था एपिक्स वाले डायनोस को टेम करने का, क्योंकि एपिक्स वाले अंडों से हम बना सकते थे स्पेशल किबल, एंड स्पेशल किबल से भाई आप सबका फेवरेट डायनो फ्यूरॉक्स अभी अपन टेम करने वाले थे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे एपिक्स डोडो भाई
ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मेरे को एपेक्स डोडो नहीं मिले। उसके बाद जो ना गाइस मैंने एपेक्स वाले दूसरे डायनो जो ना गाइस पीटी वो भी ढूंढने की कोशिश करी वो भी नहीं मिले। फिर मैंने बोला एपेक्स वाले डिलोवोसॉरस जो ना गाइस उन्हीं को टेम कर लेते क्योंकि डिलोवोसॉरस भी काफी ज्यादा अंडे जो ना गाइस यहां पे देते। तो एपेक्स वाले डिलोवोसॉरस लो लेवल के जितने भी इस मैप पे थे ना गाइस उन सबकी मैंने यहां पे लोकेशन निकाल ली। उसके बाद गाइस एपेक्स वाले किबल अपने पास ले लिए और निकल पड़ा गाइस मैं यहां पे अपने खतरनाक से एपेक्स डिलोवोसॉरस की एक आर्मी बनाने के लिए। हाँ वो आर्मी सिर्फ यहाँ पे हमको अंडा देने का काम करने वाली थी, उसके अलावा और कुछ काम नहीं करने वाली थी। यहाँ पे जब मैं फर्स्ट लोकेशन पे पहुंचाना तो भाई जंगल के बीच में मेरे को 45 लेवल का एपिक्स वाला जो भाई डिलो है वो दिखाई दिया। उसके पीछे एक थीरी भी आ रहा था, उसको भी मैंने नॉकआउट कर दिया ताकि टेमिंग में अपन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड फटाफट सटासट जो ना गाइस उस डिलो के अंदर किबल विबल डाल के हमने हमारा फर्स्ट डिलोसॉरस यहाँ पे टेम कर लिया था। जब मैं गाइस यहाँ पे अपनी सेकंड लोकेशन पे पहुंचाना तब सेकंड लोकेशन पे तो गाइस यहाँ पे बम चिकी चिकी बम बम फटे जा रहे थे भाई। यहाँ पे हर तरफ जो ना गाइस दुड़ुक दुम दुम भाई चल रहा था। एंड जब भाई सब धुआं भी वहां हटा रहा तब यहाँ पे सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। तो मेरे को समझ में आ गया कि हमारा डिलोफोसोरस यहाँ पे मारा गया। उसके बाद गाइस मैं अगली लोकेशन पे गया, अगली लोकेशन पे भी सेम वही चीज गाइस लाशों के ढेर यहाँ पे पड़े हुए थे। तो मेरे को पता चला कि ये वाला डिलोफोसोरस भी मर चुका है। फिर मेरे पास एक और लोकेशन थी डिलोफोसोरस की, मैं वहां पे भाई निकल गया। मैं रस्ते में से डिलोफोसोरस ढूंढ ढूंढ के जा रहा था तभी मेरे को डिलोफोसोरस तो नहीं मिला लेकिन एक स्पिरिट वाला डायनो जरूर मिल गया। मेरे को लगा कि इस एरिया में हमेशा एक स्पिरिट वाला जो भाई खतरनाक सा ग्रिफिन है ना गाइस वो होता है तो वही होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया गाइस स्पिरिट वाला रेक्स। में बोला चलो इसको पप्पी देके चलते। एंड जैसे मैं इसको पप्पी देने चला गया भाई मेरी हेल्थ भाई ऊपर देखना भाई इतनी सी बची थी, मरते मरते बच गया भाई मैं। उसके बाद जो ना गाइस मैं बोला भाई और ज्यादा उंगली नहीं करते अपन चलते गए सीधा लोकेशन पे। तो गाइस जब मैं लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था ना तभी मेरे को वहां पे एक डिलोफोसॉरस एपेक्स वाला थोड़ा सा हाई लेवल था 135 लेवल का वो दिखाई दिया। मैंने उसको फटाफट यहाँ पे नॉकआउट करा, उसके अंदर जो ना गाइस कीबल शीबल डाल दिए और उसको भी टेम कर लिया। अभी ये जो एरिया था ना गाइस यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा एपेक्स वाले जो डिलोफोसॉरस है ना गाइस वो मिल गए भाई। यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को कुछ हाई लेवल के डिलोफोसॉरस भी मिले, कुछ लो लेवल के भी डिलोफोसॉरस मिले। मैं जब बीच के पास पहुंचा रहा तो वहां पे हर जगह पे मेरे को अल्फा और एपेक्स वाले डिलोफोसॉरस ही दिखाई दे रहे थे। तो गाइस मैंने इन सारे के सारे जितने भी यहाँ पे डिलोफोसॉरस दिख रहे थे ना गाइस 4-5 उन सारे डिलोफोसॉरस को नॉकआउट करा, उनके अंदर एक एक करके गाइस मैंने यहाँ पे किबल डाला और जो भी सारे डिलोफोसॉरस दिख रहे थे उनको गाइस एक एक करके टेम करने का काम जो है ना गाइस वो तुम्हारे भाई ने कर लिया था। तो ये पूरा बीच जो था ना गाइस वो मैंने भाई यहाँ पे क्लियर कर दिया था और यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा जो डिलोफोसॉरस है ना गाइस हाई और लो लेवल के दोनों जो ना गाइस मिल गए थे। फिर मैं इन सारे डिलोफोसॉरस को जो ना गाइस लेके चला गया गाइस अपने घर पे। घर पे जाने के बाद जो ना गाइस सबसे पहले मैंने इन डिलोफोसॉरस को जो ना गाइस एक लाइन से यहाँ पे लगा दिया। और गाइस जो जो भाई मेल थे ना, क्योंकि मेल मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए थे, एक दो ही मेल चाहिए थे, तो जो जो भाई मेल थे ना गाइस एक्स्ट्रा मेरे पास उनको मैंने जेंडर चेंजिंग पोशन खिलाया और उनको जो ना गाइस फीमेल यहाँ पे बना दिया। एंड उसके बाद जो ना गाइस इन सारे के सारे डिलोफोसॉरस की जो ना गाइस यहाँ पे मैंने इनेबल मेटिंग कर दी ताकि इनके अंडे मेरे को मिल सके और उनसे और भी ज्यादा डिलोफोसॉरस मैं बना सकूं और उनकी आर्मी से ना गाइस हमको काफी ज्यादा अंडे मिलने वाले थे गाइस हमारे किबल्स बनाने के लिए। तो गाइस डिलोफोसॉरस को जो ना गाइस इनेबल मेटिंग करने के बाद उन्होंने मेटिंग भी कर दी, उन्होंने अंडा भी डाल दिया था। लेकिन जब मैं हैचरी चेकआउट करने गया ना तो गाइस हमारी हैचरी जो ना गाइस वो यहाँ पे फुल हो चुकी थी और इसके अंदर जो ना गाइस अभी और कोई भी अंडा जो ना गाइस वो ऐड नहीं हो सकता था। फिर मैंने गाइस यहाँ पे जो ना गाइस दो एक्स्ट्रा हैचरी बना ली और अपने मेन हैचरी में से जो भाई रीफर्टिलाइजर है ना गाइस वो निकाल के स्प्लिट करके जो ना गाइस थोड़ा थोड़ा करके इन तीनों की तीनों हैचरीज में मैंने डाल दिया। एंड गाइस उसके बाद जैसे मैंने हैचरी एक्टिवेट करी इसके अंदर भर भर के जो ना गाइस अभी अंडे आ चुके थे और अभी भाई यहाँ पे हम डिलोफोसॉरस के अंडे जो ना गाइस आगे जाके गाइस हैच करने वाले थे। लेकिन उससे पहले मेरे को बनाना था स्पेशल वाला किबल, इसलिए गाइस मैं यहाँ पे इंतजार करने लगा इन एपिक्स वाले डिलोफोसॉरस के अंडे देने का गाइस। और गाइस यही पे मेरे को काफी ज्यादा दिन निकल गए क्योंकि एपिक्स वाले जो डायनोस होते वो काफी ज्यादा धीरे धीरे यहाँ पे अंडे देते, इसलिए गाइस इंतजार करते करते भाई कितनी रातें कितने दिन चले गए पता नहीं, लगभग जो है ना गाइस 5 से 10 या 15 दिन भी निकल गए होंगे। और गाइस फाइनली इतना ज्यादा दिन इंतजार करने के बाद हमारे पास जो है ना गाइस आ गए थे 19 सिर्फ 19 डिलोफोसॉरस के अंडे। लेकिन
लेकिन मैं इससे भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि 19 अंडों से मैं बड़े आराम से 10 किबल तो यहाँ पे बना ही सकता था और 10 किबल में बड़े आराम से हमारा फ्यूरॉक जेना गाइस वो टेम हो जाता। तो मैं सीधा चला गया गाइस ट्रांसमीटर के पास और वहां पे मैंने निकाली गाइस फ्यूरॉक्स की लोकेशन। हमारे इस डेडली आइलैंड पे जो ना गाइस अब मैक्स लेवल का फ्यूरॉक्स तो हमको नहीं मिला लेकिन 420 लेवल का फ्यूरॉक्स मेरे को मिल चुका था और इसी को जो ना गाइस अभी मैं यहाँ पे टेम करने वाला था। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया, मैंने पहले ये सोचा कि मैं जाके पहले उस फ्यूरॉक्स को नॉकआउट करता हूँ एंड नॉकआउट करने के बाद मैं वहाँ पे देखूंगा कि उसको कितने किबल चाहिए और उतने किबल जो ना गाइस आके अपन अपने स्मिधि में बनाने वाले थे क्योंकि ये अंडे इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा दिन निकल गए थे और इतना ज़्यादा इंतजार करने के बाद पता चला भाई 2-3 एक्स्ट्रा किबल मैंने बना दिए और वो वैसे ही भाई स्पॉइल हो गए यहाँ पे, इसलिए जो ना गाइस मैं एक्स्ट्रा किबल नहीं बनाना चाहता था। इसलिए भाई मैं अपने भाई रोडोल्फ को लेकर निकल गया गाइस उस फ्यूरॉक्स को के लिए। कुछ टाइम बाद जो ना गाइस आइस बैम में मेरे को फ्यूरॉक्स मिल भी गया। जैसे मैं उस फ्यूरॉक्स के लोकेशन पे पहुंचा भाई साहब मरते बचा गाइस मैं यहां पे गाइस। जैसे मैंने स्पाई ग्लास से देखा यहां पे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार फ्यूरॉक्स अलग-अलग तरह के भाई बैठे हुए थे, उसमें से दो तो लूट बॉस ही थे। एंड गाइस यहां पे जो ना गाइस मेरे को अपना वाला फ्यूरॉक्स दिख गया लेकिन आजू-बाजू सेलेस्टियल फ्यूरॉक्स भी उंगली कर रहा था। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके फटाफट से जो ना गाइस अपने बफोन फ्यूरॉक्स को यहां पे आउट कर दिया। एंड गाइस अब ये सेलेस्टियल फ्यूरॉक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम था क्योंकि अगर इसने हमारे भाई बफोन फ्यूरॉक्स को मारा तो उसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी एंड उसके बाद जो ना गाइस टेमिंग इफेक्टिवनेस कम होने के बाद वो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि उतनी ज्यादा जो ना गाइस उसकी लेवल नहीं बढ़ पाएगी और ये ऊपर से मेरे ऊपर जो ना गाइस सेलेस्टियल वाले गोले जो ना गाइस फेंके जा रहा था। तो मैंने सोचा एक काम कर लेता हूं, इसको जो ना गाइस मैं अपने रोडोल्फ से भाई पेलम पाल दे देता हूं। लेकिन गाइस यहां पे मेरे रोडोल्फ का डैमेज उतना ज्यादा नहीं था और ये भाई सेलेस्टियल फ्यूरॉक्स बार बार मेरे ऊपर जो ना गाइस सेलेस्टियल गोले फेंके जा रहा था। उसमें मेरी हेल्थ जो ना गाइस काफी ज्यादा डाउन हो रही थी, 6-7 लाख का डैमेज मेरे को पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं उस फ्यूरॉक्स को जो ना गाइस काफी ज्यादा दूर जो ना गाइस छोड़ के आ गया एंड अभी टाइम था अपने फ्यूरॉक्स को टेम करने का। सारा खतरा जो ना गाइस वो टल चुका था और अपने फ्यूरॉक्स को टेम करने के लिए 4 किबल चाहिए थे। तो मैं फटाफट जो ना गाइस अपने घर पे चला गया और स्मिधि के अंदर जो ना गाइस स्पेशल वाले मैंने 4 किबल बना लिए। एंड किबल बनाने के बाद जो ना गाइस रोडोल्फ को लेके मैं वापस से भाई चला गया उसी आइस बाय में। अभी जो ना गाइस अपने पास एकदम ओवी और खतरनाक सा भाई फ्यूरॉक्स आने वाला था यार। तो गाइस जब भाई मैं फ्यूरॉक्स को टेम करने के लिए नीचे उतरा तब सबसे पहले मेरे पीछे अर्जेंटिविस पड़ा और अर्जेंटिविस को मारने के चक्कर में यहां पे लूट बॉय जो ना गाइस वो ऊपर आ गया था और भाई मेरे ऊपर जो ना गाइस आग के गोले फेंके जा रहा था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो फ्यूरॉक्स को डैमेज ना दे क्योंकि अगर वो फ्यूरॉक्स को डैमेज देता ना तो यहाँ पे उसको टेम करने का कोई भी फायदा नहीं होता। और गाइस यहाँ पे मैंने फटाफट से जो ना गाइस अपनी नागिन जो ना गाइस उसको निकाला। नागिन जो ना गाइस उसको भी भाई दूर दूर फेंके जा रहा था यार ये फ्यूरॉक्स, उसके ऊपर मैं बैठा एंड भाई ये जो फ्यूरॉक्स और जो भी डायनो मेरे को यहाँ पे उंगली कर रहे थे ना गाइस सारे डायनोस की मैंने यहाँ पे एक एक करके पेटी बना डाली। भाई मेरे को मारोगे हैं, फ्यूरॉक्स को टेम करने से रोकोगे मेरे को, बेस गैंग सबको जो ना गाइस यहाँ पे मैंने मस्त बिगी फेल दिया। एक छोड़ के दो फ्यूरॉक्स आए थे यार मेरे को उंगली करने के लिए, दोनों की जो ना गाइस मैंने यहाँ पे सबसे पहली पेटी बनाई। सबको मारने के बाद जो ना गाइस मैं चला गया फ्यूरॉक्स को टेम करने। तभी जो ना गाइस एक गेंडा सुआ में आया और पट से जो ना गाइस मेरे को हेडशॉट मार के पहाड़ी से सीधा नीचे ढकेल दिया। भाई मैं क्या कर रहे हो क्या, यहाँ पे भी जो ना गाइस कुछ डायनो मेरे को उंगली कर रहे थे तो उनको भी जो ना गाइस मैंने नॉकआउट करा। एंड गाइस वापस से मैं निकल गया गाइस अपने फ्यूरॉक्स को टेम करने के लिए। मेरे को नहीं लग रहा इस जन्म में ये फ्यूरॉक्स टेम होने वाला है मेरे से। फिर सारे खतरों का सामना करके जब मैं फ्यूरॉक्स के पास पहुंचा तो एक डिफेंस यूनिट उसको मारने का काम कर रहा था। अभी डिफेंस यूनिट उसको मार रहा था इसका मतलब फ्यूरॉक्स जो ना गाइस उसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस यहाँ पे घट गई थी। भाई साहब जिंदगी में मेरे को कभी भी इतना ज्यादा भाई टाइम और इतना ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा होगा यार फ्यूरॉक्स को टेम करने के लिए। भाई मैंने फ्यूरॉक्स और उस डिफेंस यूनिट दोनों को जो ना गाइस यहाँ पे पेलम पाल दे दिया। भाई फोकट में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था यार इन दोनों ने। अभी गाइस जो ना गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा भाई बारिश जाने देते, उसके बाद देखते दूसरे किसी फ्यूरॉक्स को जाके अपन टेम कर लेंगे। अगले दिन बारिश थमने के बाद गाइस मैं ट्रांसमीटर पे चला गया भाई लोकेशन ढूंढने के लिए अगले फ्यूरॉक्स की। एंड जब मैंने ट्रांसमीटर पे देखा गाइस 450 लेवल का एक फ्यूरॉक्स जो है ना गाइस वो यहाँ पे स्पॉन हो गया था। मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया लेकिन ये थोड़ा सा डेजर्ट बायोम में था इसलिए गाइस मैंने फटाक से अपना रोडोल्फ निकाला एंड गाइस डेजर्ट बायोम में जाके उस फ्यूरॉक्स को मैंने
हमने फाइनली यहाँ पे ढूंढ लिया भाई। इसका कलर भी जो ना गाइस वो पिछले वाले से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। फिर गाइस मैंने जो ना गाइस इसको फटाक से सटाक से जो ना गाइस नॉकआउट कर दिया। और इसको भी टेम करने के लिए जो ना गाइस चार ही किबल अपन को चाहिए थे, तो चार किबल इसके अंदर डाल दिए, टेम हेल्पर डाल दिया एंड फाइनली तुम्हारे भाई के पास आ चुका था कदर नागसा फिरॉक्स। देख रहे हो कितना ज्यादा ओपी लग रहा है भाई फिरॉक्स। इसका कलर जो है ना गाइस वो काफी खतरनाक लगा मेरे को। और इसने अपने गले में देख रहे हो गाइस इंसानों की हड्डियों की माला पहनी हुई है और रॉकेट लॉन्चर भाई, उसके बाद मिनी गन और भाई बहुत सारी गन जो है ना गाइस अपने पीठ पे भाई लटका के रखी है। कितना ज्यादा कूल लुक लग रहा है भाई इस फिरॉक्स का। मेरे को फिरॉक्स जो है ना गाइस काफी ज्यादा पसंद आया था। मैंने इसके अंदर जो ना फुटाक से मैक्स एक्सपी पोशन डाला और इस फिरॉक्स की जो ना गाइस मैक्स एक्सपी कर दी। अभी गाइस इस खतरनाक से फिरॉक्स की जो ना गाइस हेल्थ जब मैंने देखी ना, तो इसकी हेल्थ 80 मिलियन ही थी, जो हेल्थ काफी कम है गाइस यहाँ पे, क्योंकि इस हेल्थ के साथ कोई भी इसको मार सकता है। एंड अभी टाइम आ चुका था इसके सारे अटैक देखने का। तो ये ना गाइस राइट क्लिक वाला अटैक है, ये लेफ्ट क्लिक वाला अटैक जिसमें भाई बम के गोले फेंकता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो ना गाइस ये गोले काफी ज्यादा दूर भी जा सकते हैं। एंड ये गाइस सी वाला अटैक जिसमें जो ना गाइस ये काफी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर ना एक साथ फेंकता है। उसके बाद ये इसका स्पेशल अटैक जिसमें एक बड़ा सा बम का गोला ये फेंकता है और जो भी इस बम के गोले में आएगा उसकी पेटी कन्फर्म बनेगी गाइस। और ये रॉकेट लॉन्चर वाला जो अटैक है ना गाइस ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। इसमें जो ना गाइस काफी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर छोड़ के जो ना गाइस ये सामने वाले डायनो की पेटी बना देता है, जैसे इस भाई मच्छर की पेटी बना दी। अभी जो ना गाइस इसका एक स्पेशल और अटैक होता है जो है गाइस स्पीड अटैक। मतलब इस फिरॉक्स की जितनी ज्यादा स्पीड इसका डैमेज भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। प्लस इसकी गोले वाला अटैक जब मैंने चेक कराना तो ये 39 लगभग जो है ना पकड़ के चलो 40 मिलियन का डैमेज दे रहा था। समझ रहे गाइस कितना ज्यादा खतरनाक वाला फिरॉक्स हमने टेम करा है। लेकिन उसके लिए जो ना गाइस हमको मूवमेंट पकड़ना जरूरी है। एक रिपर मेरे पीछे आई थी उसको जो ना गाइस मैंने आग के गोले और रॉकेट लॉन्चर जो ना गाइस वो डाल के यहाँ पे मस्त बिगे पेलम बाल दे दिया भाई। अपने फिरॉक्स के सामने ये रिपर विपर जो ना गाइस कुछ भी नहीं है। एंड गाइस इसकी जो ना गाइस मूवमेंट स्पीड जितनी ज्यादा होगी ना गाइस इसका डैमेज भी उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर हम मूवमेंट स्पीड के साथ अगर ये आग का गोला फेंके ना तो 50 से 60 मिलियन तक इसका डैमेज जो ना गाइस बड़े आराम से जा सकता है। उसके बाद मैंने इसका जो ना स्पीड अटैक चेकआउट करा एंड गाइस इसकी स्पीड अटैक का जो डैमेज बेसिक डैमेज जो है ना गाइस वो इसका 8 लाख का जा रहा था। लेकिन अगर अपन स्पीड पकड़ के मारे ना तो 2 लाख से लेके जो ना गाइस 5 या 6 लाख तक जो है ना गाइस इस फिरॉक्स का डैमेज यहाँ पे जा रहा था। इस फिरॉक्स से जो है ना गाइस जब मैंने भाई रनअप लेके फुल स्पीड में अटैक कराना तो मेरा डैमेज जो ना गाइस 7 लाख तक चला गया। मतलब ये डैमेज जो ना गाइस इस फिरॉक्स का एकदम कन्फर्म नहीं होता कितना जा रहा है, इसकी जितनी ज्यादा स्पीड उतना उसका डैमेज, सिंपल सी बात है गाइज। और ये सेम चीज़ें बड़े से गोले के साथ भी होती है। गोले वाला अटैक भी जितना स्पीड में अपन डालेंगे ना गाइज उसका डैमेज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइज आपको हमारा एक खतरनाक ओपी सा फिरॉक्स कैसे लगा जरा नीचे कमेंट मार के बताओ। एक एक रॉकेट लॉन्चर में यहाँ पे रिपर की बुर्जी बना रहा है भाई हमारा फिरॉक्स ने। हमारा फिरॉक्स इसी से कम है क्या भाई? तो गाइस डेजर्ट में ऐसे में फिरॉक्स का जो डैमेज है ना वो चेकआउट कर रहा था तभी मेरे को एक टाइटन दिखा और टाइटन के ऊपर भी मैंने जो ना गाइस यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर छोड़ दी और एक फटके में टाइटन की पेटी। मजाक कर रहे हो क्या भाई? टाइटन भी जो ना गाइस अपने सामने टिक नहीं पाया और रिपर क्वीन तो अपने सामने ऐसा पानी कम चाय दी। फिर गाइस थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को एक और टाइटन दिखाई दिया, उसके साथ साथ एक अल्फा टाइटन भी दिखाई दिया। मैं बोला नॉर्मल टाइटन को तो टॉर्पर देना पड़ता है भाई कैनन से, लेकिन अल्फा टाइटन को शायद जो ना गाइस हम गन से नॉकआउट कर सकते, इसलिए जो ना गाइस मैंने यहाँ पे इसको नॉकआउट करने की कोशिश करी अपने गन से। लेकिन गाइस ये जो भाई टाइटन है ना गाइस इसके ऊपर हमारी गन की गोलियों का कोई भी असर जो है ना गाइस वो नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा एक काम कर लेता हूँ, नागिन को निकाल देता हूँ एंड उससे इसको टॉर्पर देने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने अपनी नागिन को निकाला और नागिन से जो है ना गाइस मैं यहाँ पे निकल गया उस अल्फा टाइटनोसॉरस को टॉर्पर देने के लिए। लेकिन गाइस नागिन का जो अटैक है ना गाइस वो भी उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा था। मतलब ये अल्फा वाला जो टाइटनोसॉरस है ना गाइस इसको भी हमको कैनन से नॉकआउट करके टेम करना पड़ेगा, जो एक बंदे की बस की बात
नहीं है गाइस, क्योंकि अगर इसको टेम करने की सोचे ना तो उसमें घंटों बीत जाते, इसलिए गाइस मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और मैं अपनी फिरॉक्स को गाइस बेस पे लेके आ गया। गाइस इस फिरॉक्स के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब फटाक से ठोक दो गाइस। क्या कूल डायनो टेम करा है भाई, आप भी मजा आएगा ना वीडियो। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है गाइस प्राइमल फियर की, आगे आगे देखो अपन क्या क्या टेम करते हैं। तो गाइस उसके बाद जो है ना गाइस मैं चला गया स्मिधि में देखने के लिए कि मैं कौन कौन से कीबल बना सकता हूँ। मैं शॉक हो गया ये देख के कि मैं एडवांस एलिमेंटल कीबल भी बना सकता था और फेबल्ड वाले जो कीबल है ना गाइस वो भी बना सकता था। हाँ बस ओमेगा वाले कीबल जो ना गाइस वो अभी तक मैं बना नहीं सकता था, उसके लिए मेरे को फेबल्ड वाले जो डायनोज है ना उनको पकड़ना पड़ता और उनके अंडे जो है ना गाइस वो इकट्ठा करने पड़ते। तो गाइस अभी टाइम आ चुका था लेजेंडरी डायनो को टेम करने का, एंड वो डायनो है गाइस लेजेंडरी पेगासस। यस गाइस हम जो ना गाइस अभी लेजेंडरी पेगासस को टेम करने वाले थे और उसको इवॉल्व करने वाले थे डिवाइन या फिर फॉलन वाले पेगासस में, और ये दोनों के दोनों इवोल्यूशन जो ना गाइस काफी खतरनाक होते, इसलिए जो ना गाइस मैंने पेगासस की जो ना गाइस लोकेशन यहाँ पे नोट कर ली जो कि डेजर्ट में कहीं पे थी। एंड गाइस मैं जो ना गाइस लेके निकल गया गाइस अपने रूडोल्फ को उस खतरनाक से पेगासस को टेम करने के लिए। जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा ना तो गाइस वहां पे मेरे को दो पेगासस दिखाई दिए और दोनों जना गाइस लेफ्ट राइट करके अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। लकीली हमारा जो पेगासस हाई लेवल का था उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था, तो गाइस मैंने जना गाइस अपनी गन इस्तेमाल करके इस पेगासस को मस्त बेकी एक दो जना गाइस रनिंग हेडशॉट दे दिए और फटाक से सटाक से जना गाइस इस पेगासस को मैंने यहां पे नॉक कर दिया। एंड जब मैंने देखा तो इसको टेम करने के लिए टोटल 6 कीबल चाहिए थे, जो थोड़े से ज्यादा कीबल मेरे को लग रहे थे क्योंकि 6 कीबल बनाने के लिए लगभग 12 अंडे वेस्ट हो जाते यार। लेकिन हमको किसी भी कीमत पे इस पेगासस को टेम करना था, इसलिए गाइस मैं भाई घर पे चला गया। घर पे जो ना गाइस जाने के बाद मैंने यहां पे 6 कीबल बनाए, वो कीबल लेके मैं आ गया गाइस पेगासस के पास। लेकिन पेगासस के ऊपर भाई रेक्स घूम रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि वो इसको मारे और गाइस इसका टेमिंग इफेक्टिवनेस कम हो, इसके लिए मैं उनके नजदीक गया और मैंने जब अटैक कराया तब रेक्स गायब हो गए। मैं बोला ये क्या हुआ भाई, बाद में मेरे को पता चला जब भी मैं भाई रेक्स के ऊपर ये अटैक करता हूं ना रेमबो वाला, उसके बाद ही रेक जो है ना गाइस हवा में उड़ जाते हैं भाई। आपको पता है गाइस जब भी अपन इंडोमेस रेक्स जो है ना गाइस उसका अंडा चुराने जाते हैं और रोडोल्फ को यूज करते तो वो रेक्स गायब हो जाता है। एक्चुअली में गायब नहीं होता, वो हवा में उड़ जाता भाई। ये देखो ये लगा भाई छक्का लगा 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 उड़ा 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 ये ले बेटा हवा में सीधा भाई, देख रहे हो डायरेक्टली डायनो ही गायब। तो गाइस मेरे को ये रोडोल्फ जो है ना गाइस उसकी ये वाली जो पावर है ना गाइस ये काफी ज्यादा पसंद आई, और ये पावर जो ना गाइस और भी दूसरे जो डायनो जो ना गाइस उनके ऊपर अपन यूज कर सकते थे। फिर मैंने बोला चलो भाई बहुत हो गई भाई मस्ती, अभी जाके फटाक से पेगासस को टेम कर लेते। इसलिए पेगासस के पास पहुंचा मैं, उसके अंदर जो ना गाइस मैंने कीबल पीपल डाल दिए और पेगासस को यहां पे कर दिया टेम। अभी गाइस अपने पास एक ओपी और खतरनाक सा जो ना गाइस पेगासस आ चुका था। दिखने में जो ये पेगासस है ना गाइस ये काफी ज्यादा कूल लग रहा था। उड़ते हुए गाइस इसका लुक देखो गाइस, इसका जो स्पेशल अटैक है ना गाइस वो देखो काफी खतरनाक लग रहा है गाइस। लेकिन इस पेगासस को जो ना गाइस अपन को यहाँ पे इवोल्व करना था, इसको जो ना गाइस इवोल्व करके मेरे को डिवाइन या फिर फॉलन वाला पेगासस बनाना था। लेकिन इवोल्व करने के लिए जो ना गाइस हमको यहाँ पे टोटल 250 किल करने पड़ेंगे इस पेगासस से। यस गाइस और इसी में हमारा जो ना गाइस काफी ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे होने वाला था। इस पेगासस से जो ना गाइस हमको एक 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 करके जो ना गाइस 250 किल करने हैं, उसी के बाद जो ना गाइस इसका इवोल्यूशन अनलॉक होता है। इसलिए गाइस यहाँ पे इस पेगासस से किल करने का जो काम है ना गाइस वो मैंने शुरू कर दिया, और ये जो ना गाइस किलिंग प्रोसीजर जो है ना गाइस इसमें मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया। मैं अलग अलग जगह पे जाके जो ना गाइस इस पेगासस का जो ना गाइस यहाँ पे किलिंग काउंट है ना वो बढ़ा रहा था भाई। मैं अलग अलग डायनोज को जो ना गाइस यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को सिर्फ एक या दो डायनोज ही मिल रहे थे, और इसलिए जो ना गाइस इस पेगासस का यहाँ पे किल काउंट बढ़ाने में जो ना गाइस अपने काफी ज्यादा दिन जो है ना गाइस वो वेस्ट हो गए। मेरे को एक जगह पे जो है ना गाइस फिश से भरा हुआ एक बड़ा सा तालाब मिला। मैं बोला चलो भाई यहाँ पे भी हमको काफी ज्यादा किल मिलेंगे, और लकीली वहां पे जो ना गाइस मेरे को लगभग 70 से 80 जो किल है ना गाइस वो टोटल मिल गए थे। लेकिन गाइस अभी तक अपन भाई 250 वाला जो हमारा किल काउंट है ना गाइस उससे काफी ज्यादा दूर थे। फिर मैंने सोचा अपना जो कैसल है वहां पे भी काफी ज्यादा स्पाइडर स्पीडर स्पॉन्स होते हैं, तो वहां पे जाते और उन स्पाइडर को मार के हम किल काउंट बढ़ाते। तो गाइस मैं अपने कैसल पे पहुंचा, एंड कैसल पे भी जो भी
स्पाइडर बीटर जो भी डायनो मेरे को कैसल के अंदर दिख रहा था ना, हर एक डायनो की यहाँ पे मैंने बैंड बजा के रख दी गाइज। और सबको मारने के बाद भी किल काउंट जो ना गाइज वो मेरा उतना ज्यादा नहीं बढ़ाता। वहां पे गाइज एक ड्रैगन भी जो ना गाइज उंगली करने के लिए आया था, उसकी भी जो ना गाइज बैंड मैंने बजा दी और मैं निकल गया गाइज आगे के किल काउंट जो ना गाइज वो बढ़ाने के लिए। और ऐसी भाई अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह पे जो ना गाइज मैं घूमता रहा भाई, एक एक दो दो किल जो ना गाइज वो करता रहा। फिर मैं बीवर डैम के पास पहुंचा और वहां पे लकीली मेरे को मिला लूट बॉस। अभी लूट बॉस क्या करता है गाइज, आपके आजू बाजू जो भी डायनो है उन सारे डायनो को आपके ऊपर एग्रो करा देता है, जिस रीजन से जो भी डायनो आपके आजू बाजू है सारे आपको मारने के लिए आ जाते हैं। और इस रीजन से हर एक डायनो मेरे को मारने के लिए आ रहा था और उनको मार के मेरे को काफी ज्यादा किल जो है ना गाइज वो यहाँ पे मिल रहे थे। इस छोटे से तालाब में जो है ना गाइज हर जगह पे सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, देख रहे हो गाइज। फिरॉक्स नहीं सॉरी, जो लूट बॉस है ना जिंदगी में पहली बार हमारे काम आया होगा, वे काफी ज्यादा खुश था। लेकिन अभी तक जो ना गाइज हम हमारे किल काउंट के गोल से थोड़ा सा दूर थे। तो गाइज ऐसे किल काउंट करते करते मेरे को यहाँ पे एक रिपर दिखाई दी जिसने हवा में ही मेरे को स्टन करा, उसके बाद पता नहीं कौन सा अटैक करा जिससे मैं हम वहां में उड़ते उड़ते 400 किलोमीटर दूर तक चला गया गाइज। लकीली मेरे पास ग्लाइडर था, उस रीजन से मेरे को फॉल डैमेज नहीं पड़ा। मेरे एचपी देखी गाइज हवा में कितनी कम थी भाई। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे निकाला हमारा प्राइम वाला जो ग्रिफिन है ना गाइज वो ग्रिफिन, एंड मैं जाके उस भाई रीपर क्वीन की मस्त देखी बैंड बजा के आ गया भाई। मेरे को हवा में उड़ा रही थी, लाड में आ रही थी भाई। अभी जो है ना गाइज मैं वापस से अपने भाई पेगासस के ऊपर बैठ गया था और यहाँ पे बस थोड़े से किल काउंट जो है ना गाइज वो करना बाकी था। और किल काउंट जो है ना गाइज वो बढ़ाने के लिए मैं भाई अलग अलग डायनोस को मारे जा रहा था और इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और ऐसे गाइज डायनोस को मारते मारते जो ना गाइज मैं एक लोकेशन पे पहुंचा जहाँ पे मेरे को दिखाई दी एक खतरनाक ओपीसी जेली फिश। और आपको पता है ना गाइज मैं लगभग 200 या 300 वाले एपिसोड से इस जेली फिश को टेम करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे आजू बाजू जो है ना गाइज जो भी डायनो जो भी खतरा हमको दिखाई दे रहा था ना गाइज उस हर एक खतरे को हमने जो है ना गाइज भगवान के पास पहुंचा दिया था, सबको मैंने यहाँ पे मार दिया था। एंड बड़े आराम से अभी हम उस जेली फिश को ना नॉकआउट कर सकते थे। तो मैंने फटाक से जो है ना गाइज उस जेली फिश को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। एंड गाइज अभी उसके अंदर जो है ना गाइज बस मेरे को मीट डालना था और उसको टेम करना था। ये जो जेली फिश है ना गाइज ये किसी को भी यहाँ पे नॉकआउट करने का काम कर सकते क्योंकि इसका टॉर्पोर जो है ना गाइज वो काफी खतरनाक वाला होता है। इसलिए गाइज इसके अंदर मीट एंड टेम हेल्पर जो है ना गाइज वो मैंने डाल दिया। एंड गाइज अभी अपने पास आ चुकी थी एक खतरनाक सी इटर्नल अल्फा जेली फिश। लेकिन अभी इसको मैं चेकआउट नहीं करने वाला था, डैमेज भी मैं जिसका इसको मैंने क्रायो करा पेगासस के ऊपर बैठा। एंड तभी मैंने देखा कि हमारे पेगासस का जो किल काउंट है ना गाइज वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे 252 जो किल है ना गाइज वो यहाँ पे हो चुके थे, 254 किल गाइज यहाँ पे हो चुके थे। फिर गाइज मैं अपने पेगासस को जो ना गाइज यहाँ पे लेके चला गया बेस पे। एंड अभी टाइम आ चुका था पेगासस को इवॉल्व करने का, तो मैंने सोचा कि इसको जो ना गाइज डिमोनिक वाले जो सोल है ना गाइज वो खिला के इवॉल्व करते क्योंकि डिमोनिक वाला इवोल्यूशन मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। तो गाइज पेगासस के अंदर जो ना गाइज मैंने डिमोनिक वाली सोल डाली एंड इसके बाद गाइज उसको इवॉल्व कर दिया। इवॉल्व करने के बाद हमारे पेगासस का लुक देखो गाइज कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। ठीक है भाई, इसके ऊपर जो ना गाइज पता नहीं कौन से भाई कंट्री का भाई मैप भी छप चुका है या किसने भाई इसके साथ होली के लिए पता नहीं, लेकिन अलग अलग कलर जो है ना गाइज वो इसके ऊपर दिखाई दे रहे थे। और इसका जो अटैक है ना गाइज स्पेशल अटैक वो काफी खतरनाक होता है। ये अपनी डार्क एनर्जी के जो है ना गाइज 4 से 5 सर्कल जो है ना गाइज एक साथ यहाँ पे रिलीज करता है और जो भी इनमें आएगा ना गाइज उसके डायरेक्टली पेटी बन जाएगी समझ लो। फिर मैंने जो ना गाइज अपना खतरनाक सा जो भाई पेगासस था ना गाइज उसको लेवल अप करा। एंड उसके बाद गाइज अभी इसका डैमेज टेस्ट करने का टाइम आ चुका था। तो गाइज हमारे पेगासस का जो डैमेज है ना गाइज वो यहाँ पे जा रहा था 1 मिलियन का। अभी तक जो ना गाइज मैंने इसको मैक्स लेवल का नहीं करा था, इस रीजन से इसका डैमेज जो ना गाइज उतना ज्यादा नहीं जा रहा था। लेकिन 1 मिलियन डैमेज जो ना गाइज वो भी काफी ज्यादा बढ़िया डैमेज है और ये एक सर्कल का 1 मिलियन डैमेज जाता है। अगर ऐसे आपको 5 से 6 सर्कल लगे ना तो समझ लो गाइज आपको जाएगा 7 या 8 मिलियन का डैमेज टोटल भाई। तो गाइज ये पेगासस जो ना गाइज उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये किसी भी डायनो को जो ना गाइज यहाँ पे मारने का काम बड़े आराम से कर सकता है। फिर मैंने पेगासस को मैक्स लेवल का कर दिया और उसका डैमेज जो ना गाइज
वो यहाँ पे जाने लग गया 1.5 मिलियन का। एंड अपने जो ना गाइस ये 6 से 7 सर्कल छोड़ता है, मतलब अगर कैलकुलेट करा जाए तो 10 मिलियन प्लस डैमेज जो ना गाइस वो आपको यहाँ पे बड़े आराम से पड़ जाएगा। मतलब किसी भी डायनोस को जो ना गाइस ये हमारा खतरनाक सा पेगासस बड़े आराम से यहाँ पे पेलम पाल दे सकता है। और इसका लुक तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को स्पेस पांडा दिखाई दिया और उसके चुटकू चुटकू से कुछ मिनियंस दिखाई दिए, तो उनको भी जो ना गाइस यहाँ पे मैंने मस्त बेकी पेलम पाल दे दिया और उनको भी भगवान के पास पहुँचा दिया था। तो गाइस आपको हमारा ओपी सा पेगासस कैसे लगा नीचे कमेंट मार के जरूर से बता देना। एंड अभी टाइम आ चुका था गाइस उस छोटू मोटू सी और खतरनाक सी जेली फिश को ट्राई करने का। तो गाइस उस जेली फिश के ऊपर जो ना गाइस मैंने यहाँ पे सैडल लगा दिया। एंड गाइस लुक देखो भाई इसका लुक देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये जो इसकी लाइटनिंग रे है ना गाइस ये सबको टॉर्पोर देने का काम करती है। इसका एक बाइट अटैक है जिसमें ये भाई छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी, भाई देख रहे हो आपके अपने आजू बाजू ना एक इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा एक चार्ज बनाता है जो इसका बाइट अटैक है। एंड इसका लेफ्ट क्लिक वाला जो अटैक है ना गाइस वो है यहाँ पे ये रे वाला अटैक भाई, जिसमें एक लाइटनिंग की बड़ी सी रे अपने मुंह से छोड़ता है और ये लाइटनिंग की जो भाई रे है ना गाइस जिसको भी लगेगी वो डायरेक्टली वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा। फिर मैंने गाइस यहाँ पे जेली फिश को जो है ना गाइस फटाक से लेवल अप कर लिया और मैं निकल गया गाइस इसका टॉर्पोर पावर देखने के लिए। और गाइस जब मैंने भाई यहाँ पे आजू बाजू अपनी जो लाइटनिंग रे है वो छोड़ी तो जिन जिन डायनो को ये रे लगी ना गाइस वो डायनो वहीं पे डायरेक्टली नॉकआउट हो गया। देख रहे हो गाइस हमारे जेली फिश की पावर। यहाँ पे एक जो है ना गाइस प्राइम डायर बियर था जिसका की भाई यहाँ पे 3 मिलियन का टॉर्पोर था, तो उसको भी जो है ना गाइस यहाँ पे मैंने लाइटनिंग रे से टॉर्पोर देने का काम शुरू कर दिया। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा सिर्फ 500 का ही डैमेज उसके ऊपर पड़ रहा है। मतलब अगर किसी भी डायनो को, अगर उसकी एचपी भी कम है, अगर वैसे डायनो को भी मैं यहाँ पे नॉकआउट करना चाहूँ ना तो बड़े आराम से नॉकआउट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा डैमेज जो है ना गाइस लाइटनिंग रे का वो काफी ज्यादा कम पड़ रहा था। और 3 मिलियन का जो टॉर्पोर है ना गाइस वो थोड़े से 2-3 एटम में मैंने भाई इस डायर बियर को चढ़ा दिया था। मेरी लेवल अप जो है ना गाइस वो अभी तक मैक्स नहीं हुई थी, जैसी मेरी मैक्स लेवल अप हो जाएगी ना उसके बाद गाइस अपना टॉर्पोर काफी ज्यादा चढ़ेगा, इसलिए गाइस मैंने फटाफट मैक्स एचपी पोशन अपने अंदर डाल दिया और मेरे भाई जेली फिश की कर दी मैक्स लेवल अप। मैक्स लेवल अप करने के बाद जो है ना गाइस यहाँ पे मेरा जो 500 का डैमेज पड़ रहा था ना लाइटनिंग रे का वो अभी पड़ने लग गया था 1200 का, मतलब डबल डैमेज। एंड डबल डैमेज मतलब टॉर्पोर भी जो ना गाइस मैं डबल दे सकता था। तो यहाँ पे जो ना गाइस मैंने टोटल 2 लाइटनिंग जो अपनी रेज होती है ना गाइस वो इस प्राइम मेगा थ्योरियम के ऊपर डाली और यहाँ पे ये प्राइम मेगा थ्योरियम डायरेक्टली हो गया नॉकआउट। मतलब अपन किसी को भी जो ना बड़े आराम से नॉकआउट कर सकते हैं और अभी जो ना गाइस हम उड़ने वाले डायनोस को भी बड़े आराम से नॉकआउट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास जेली फिश आ चुकी है। तो मैं काफी ज्यादा खुश था और इसका इस्तेमाल करके अभी अपन टेम करने वाले थे एक खतरनाक सी आर्मी। तो गाइज अभी आप बोलोगे कि कौन सी आर्मी टेम करने वाले, तो गाइज यहाँ पे पब्लिक एक और डिमांड कर रही थी थाईलो कोलियो को टेम करने की। तो गाइज आपकी डिमांड में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, थाईलो कोलियो एक दो थाईलो कोलियो नहीं टेम करूंगा, सीधा उनकी आर्मी टेम करने वाले अपन 10-12-15 थाईलो कोलियो भाई, अपन से पंगा पड़ जाएगा महंगा। तो गाइज यहाँ पे जो ना गाइज मेरे को फायर वाला जो थाईलो कोलियो है ना नॉकआउट मिला। आपको पता ही होगा कि ये थाईलो कोलियो जो है ना गाइज ये नॉकआउट कैसे हुआ भाई, अपन जब सूट भाई अपना चेकआउट कर रहे थे ना तब अपन ने अपनी पावरिस के ऊपर दिखाई थी, तो इस थाईलो कोलियो को जो ना गाइस फायर वाले मैंने मिड बिट खिला के बड़े आराम से टेम कर लिया था। तो अपने थाईलो कोलियो आर्मी का फर्स्ट डायनो जो ना गाइस वो अपने पास आ चुका था। एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल गया और बहुत सारे थाईलो कोलियो। थोड़ी दूर जाने के बाद गाइस यहाँ पे मेरे को प्राइम थाईलो कोलियो दिखाई दिया जो मेरे कलेक्शन में गाइस पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन गाइस फिर भी जो ना गाइस मेरे को इसको टेम करने का मन कर रहा था क्योंकि इस प्राइम वाले थाईलो कोलियो को जो ना गाइस मैं इन्फर्नल में इवोल्व कर सकता था, इसलिए गाइस इस थाईलो कोलियो को मैंने फटाफट से गाइस यहाँ पे नॉकआउट करा, उसके अंदर जो ना गाइस मीट डाल दिया एंड गाइस फटाक से उसको टेम भी कर दिया। तो सेकंड डायनो गाइस अपने थाईलो कोलियो आर्मी का अपन ने यहाँ पे टेम कर लिया था। अभी गाइस अपन निकल गए और भी बहुत सारे थाईलो कोलियोस को इस रेड वुड में ढूंढने के लिए। थोड़ी दूरी पे मेरे को जो ना प्राइम एंड फायर वाला एक और थाईलो कोलियो जो ना गाइस पेड़ से लटका हुआ मिला। अभी आप बोलोगे कितने फायर और प्राइम थाईलो कोलियो टेम करेगा भाई, तो गाइस फायर थाईलो कोलियो में 2-3 इसलिए टेम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइस इनका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो तो गाइस मैंने जो ना गाइस फायर वाले थाईलो कोलियो का अपनी लाइटनिंग रे भाई चिपका डाली और वो जो ना गाइस डायरेक्टली नीचे जमीन पे गिर के नॉकआउट हो गया। तो उसके अंदर जो ना गाइस यहाँ पे मैंने मिड बिट डाला एंड उसको फटाक से टेम करा एंड तभी
गाइस मेज और नागाई जैसे ही पीछे मुड़ा अपनी खतरनाक सी जेलीफिश को ढूंढने के लिए, तब वो जेलीफिश ही गायब थी। मैं बोला कहाँ पे चली गई भाई मेरी ये जेलीफिश, भाई अभी अभी तो टेम करी थी। मैं जो ना गाइस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने इसको यहीं पे छोड़ा था। फिर गाइस मैंने यहाँ पे जो ना गाइस अपने ग्लाइडर का यूज करके जो ना गाइस उसको ढूंढने की कोशिश करी। मैं जो ना काफी टाइम तक उसको रेडवुड में जहाँ पे मैंने फायर वाला थाइलो किलो टेम करा था उसके आजू बाजू जो ना गाइस ढूंढ रहा था, इधर उधर उड़ उड़ के ढूंढ रहा था, चल चल के ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को वो जेलीफिश दिखाई नहीं दी। मेरे को समझ में ना आया एक्चुअली में क्या हुआ, शायद वो जमीन के अंदर भाई जाके ग्लिच हो गई थी या फिर कहीं पे गायब हो गई थी, मेरे को पता नहीं था गाइज। लेकिन अभी जिन भी थाइलो के लोगों को मेरे को टेम करना था ना गाइज, उनको मेरे को भाई विदाउट जेलीफिश ही टेम करना था। और गाइज यहाँ पे मैंने सोचा कि अपन जो ना गाइज अपना जो ग्लाइडर है उसी का इस्तेमाल करके जो ना गाइज सारे के सारे बचे हुए जो थाइलो कोलू है उनको टेम करने का काम करेंगे। तो मैं गाइज रेडवुड में निकल गया अपना ग्लाइडर लेके थाइलो को ढूंढने के लिए, और मेरे को गाइज यहाँ पे मिल गया था पॉइजन वाला थाइलो कोलियो। गाइस देख रहे हो कितना आसानी से भाई थाइलो कोलियो मिल रहे थे ग्लाइडर का यूज करके। तो गाइस उस पॉइजन वाले थाइलो कोलियो को अपन ने बड़े आराम से गाइस यहाँ पे नॉकआउट कर लिया, उसके अंदर जो ना गाइस फूड भी डाल दिया और उसको भी टेम कर लिया था। तो अपने आर्मी में एक और थाइलो कोलियो जो ना गाइस वो एड हो चुका था। फिर मैं गाइस आगे निकल गया और भी ज्यादा थाइलो कोलियो को यहाँ पे ढूंढने के लिए। मेरे को थोड़ी दूरी पे जो ना गाइस एक टॉक्सिक थाइलो कोलियो जो ना गाइस वो दिखाई दिया, और इसको टेम करने के लिए जो ना गाइस मेरे को टॉक्सिक वाले जो कीबल है ना गाइस वो चाहिए थे। इसलिए गाइस मैं फटाफट घर पे गया, और घर पे जाने के बाद मैंने अल्फा वाले, एपेक्स वाले और गाइस टॉक्सिक वाले जो कीबल है ना गाइस वो बना लिए, और वो ब्लैक में निकल गया गाइस थाइलो कोलियो की आर्मी को टेम करने के लिए। तो गाइस फटाफट से जो ना गाइस मैंने टॉक्सिक वाला जो थाइलो कोलियो था उसको भी यहाँ पे टेम कर लिया था। मेरे को जो है ना गाइस इधर उधर घूमते घूमते काफी ज्यादा फायर वाले थाइलो कोलियो जो है ना गाइस वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन गाइस मैंने भाई पहले ही दो फायर थाइलो कोलियो टेम करे थे, इसलिए जो है ना गाइस यहाँ पे सामने मेरे को एक अलग सा थाइलो कोलियो दिखाई दिया। तो मैं जैसे ही देखने चला गया यहाँ पे एक इटर्नल रोबोट इन्फोर्सर दिखाई दिया। मैं बोला ये नॉर्मल होगा, ये कुछ नहीं करेगा, चलो छोड़ देते। एंड उसके बाद जो ना गाइस मैंने अपना जो भाई खतरनाक सा भाई लाइटनिंग वाला थाइलो कोलियो था उसको नॉकआउट करना शुरू कर दिया। अभी उसको नॉकआउट करने के लिए मैंने नागिन को भाई बाहर निकाला क्योंकि इसका टॉर्पोर काफी ज्यादा था, और गाइस इसको मैंने पहले पैर से उतारा, उसके बाद गाइस मैं नागिन के ऊपर बैठा। एंड गाइस मैंने यहाँ पे अपना जो थाइलो कोलियो है उसको नॉकआउट करने का काम जो है ना गाइस वो शुरू कर दिया। उसको जो ना गाइस एक दो भाई बार बाइट करने के बाद वो डायरेक्ट नॉकआउट हो गया था। फिर मेरे को इनफोर्स दिखा, उसको मैंने नॉकआउट करने की कोशिश करी, वो नॉकआउट तो हो गया लेकिन नॉकआउट होते होते जो ना गाइस यहां पे उसने मेरी पेटी बना दी। मेरे को पता नहीं गाइस कि उसने मेरी पेटी कैसे बनाई, उसके पास शायद कोई स्पेशल अटैक होगा जो उसने मेरे ऊपर डाला और गाइस मेरी पेटी बन गई। फिर गाइस वापस से जो ना गाइस अपन अपना ग्लाइडर लेके भाई पहुंच गए उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमने भाई इन्फोर्सर और भाई लाइटनिंग वाले भाई थाइलो कोलियो को टेम करा था। सबसे पहले गाइस वहाँ पे रोबोट वाला जो इन्फोर्सर था उसको जो ना गाइस मैंने टेम करने का काम करा। फिर यहाँ पे जो हमारा लाइटनिंग वाला भाई थाइलो कोलियो था उसको जब मैं भाई टेम करने के लिए जा रहा था तभी मेरे को प्राइम वाला एक थाइलो कोलियो नीचे घूमता हुआ दिखाई दिया। तो गाइस उसको जो ना गाइस हमने हमारे एनाकोंडा से एक मस्त भी की चुम्मा दिया और वो भी यहाँ पे नॉकआउट हो गया था। फिर गाइस प्राइम वाला थाइलो कोलियो और हमारा लाइटनिंग वाला थाइलो कोलियो जो ना गाइस उन दोनों थाइलो कोलियो को मैंने एक एक करके यहाँ पे टेम कर लिया। एंड गाइस फिर हम आगे निकल गए गाइस और भी ज्यादा थाइलो कोलियो को ढूंढने के लिए। मैंने बोला था ना गाइस अपन एक दो तीन चार थाइलो कोलियो को टेम नहीं करेंगे, 10-12-15 थाइलो कोलियो की आर्मी बनाने वाले अपन। फिर मेरे को एक पेड़ से लटके हुए तीन तीन थाइलो कोलियो दिखाई दिए और भाई डोडो रीपर भी दिखाई दिए। यहाँ पे प्राइम वाला थाइलो कोलियो था, उसके बाद प्राइमल वाला था एंड एपेक्स वाला था। उसमें से जो ना गाइस मेरे को एपेक्स वाला थाइलो कोलियो जो ना गाइस वो चाहिए था। तो गाइस मैंने जो ना गाइस फटाक से क्या करा भाई उस थाइलो कोलियो को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। मेरे को डर लग रहा था कि वो डोडो रीपर आके उसको मार ना दे, इसलिए गाइस मैंने जो ना गाइस यहाँ पे अपनी नागिन निकाली और मैं निकल गया गाइस उस डोडो रीपर को यहाँ पे नॉकआउट करने के लिए, क्योंकि अगर वो भाई एक फटका देती ना तो एपेक्स वाला थाइलो कोलियो बेचारा वहीं पे लुढ़क जाता। तो गाइस इन सारे डायनोस को जो ना गाइस नॉकआउट करने के बाद मैं जब भाई देखने के लिए चला गया हमारे थाइलो कोलियो को, तो वहां पे भाई एक मेगाथेरियम ने उसको पहले ही मार दिया था यार। आई रे मेरी फूटी किस्मत। फिर मैं और भी ज्यादा थाइलो कोलियो ढूंढने के लिए भाई और ज्यादा घने जंगल में चला गया। वहां पे मेरे को
अल्फा टॉक्सिक और अल्फा वाला थाइलोको ने दिखाई दिया और दो जिसमें एक जान जो है ना गाइस थे वो भाई ये थाइलोको लियो देख रहे हो गाइस एक दूसरे के अंदर गाइस एकदम घुसे पड़े थे और इनको नॉकआउट करने में मेरी काफी ज्यादा बुलेट जो है ना गाइस वो वेस्ट हो गई। लेकिन फाइनली इन दोनों को मैंने नॉकआउट करा। अपोजिट साइड में मेरे को नॉर्मल वाले दो दो थाइलोकोलियो दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो ना गाइस इन दोनों थाइलोकोलियो को एक एक करके मैंने टेम कर लिया और गाइस साइड में जो थाइलोकोलियो दो चिपके हुए थे ना गाइस उनको भी मैंने यहाँ पे नॉकआउट करा और उसमें से जो हाई लेवल का थाइलोकोलियो था उसको मैंने गाइस यहाँ पे टेम कर लिया। इन सारे थाइलोकोलियो को टेम करने के बाद भाई ग्लाइडर लेके मैं जो ना गाइस रेडवुड में पूरे घूम रहा था ताकि मेरे को थाइलोकोलियो मिल सके। मेरे को कर्स थाइलोकोलियो, प्राइम थाइलोकोलियो, उसके बाद गाइस यहाँ पे आइस थाइलोकोलियो, काफी थाइलोकोलियो मिले जो कि मैं टेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपन इवॉल्व ही कर सकते। तो गाइस ऐसे भाई ढूंढते ढूंढते मेरे को यहाँ पे जो है ना गाइस फाइनली एक ट्री पे भाई तीन चार थाइलोकोलियो दिखाई दिए। उसमें नॉर्मल थाइलोकोलियो और अल्फा वाला थाइलोकोलियो भी था। तो मैंने जो ना गाइस यहाँ पे फटाक से जो ना गाइस अल्फा वाला थाइलोकोलियो था ना गाइस उसको यहाँ पे नॉकआउट करा और उसके नीचे एक नॉर्मल वाला थाइलोकोलियो भी था उसको भी जो है ना गाइस नॉकआउट कर दिया। एंड दूसरे पेड़ पे जो है ना गाइस यहाँ पे तीन तीन थाइलोकोलियो लटके हुए थे लेकिन उनको जब मैं नॉकआउट करने गया तभी यहाँ पे जो है ना गाइस एक टेरर बर्ड ने और कार्नो ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। भाई लाड में आ रहे थे गाइस, गॉड आर्मर है यार अपने पास। इन दोनों को टॉर्पर देने के बाद गाइस यहाँ पे एक लाइटनिंग थाइलोकोलियो, टॉक्सिक और नॉर्मल वाले थाइलोकोलियो जो ना गाइस वो लटके हुए थे। लेकिन गाइस ये सारे के सारे थाइलोकोलियो जो ना गाइस मैं पहले ही टेम कर चुका था इसलिए गाइस जो अल्फा थाइलोकोलियो मैंने यहाँ पे नॉकआउट करा था ना गाइस उसके अंदर गाइस मैंने यहाँ पे मीट डाला और उसको फटाक से टेम कर लिया। तो गाइस उसके बाद में निकल गया सीधा इस बारिश के मौसम में इस घने जंगल में थाइलोकोलियो को ढूंढने के लिए। मेरे को भाई यहाँ पे रेडवुड में ना हर एक कोने पे अलग अलग तरह का एक एक थाइलोकोलियो दिखाई दे रहा था जो थाइलोकोलियो मैं पहले टेम कर चुका था। एंड गाइस यहाँ पे खतरा भी काफी था, काफी ज्यादा खतरनाक वाले जो डायनोस खास करके लूट बॉय जो ना गाइस वो मेरे को यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हारे भाई के पास जो ना गाइस एकदम खतरनाक सा ग्लाइडर था तो उससे जो ना गाइस मैं यहाँ पे जान बचा के जैसे तैसे भाई भाग गया। भाई देख रहे हो मेरे पिछवाड़े में आग लग हुई थी भाई। एंड गाइस जैसे ढूंढते ढूंढते थाइलोकोलियो को जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे जेली फिश दिखाई दी। गाइस जेली फिश पता है ना गाइस एक जेली फिश ग्लिच के कारण जो ना गाइस गायब हो चुकी थी अपन की और यहाँ पे मेरे को ये अक्का डबल गाइस एक साथ जो ना भाई दो दो जेली फिश दिखाई दी। तो भाई पहली फुर्सत में मैंने इन दोनों को जो है ना गाइस फटाक से जो ना गाइस नॉकआउट कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई और डायनो आ जाए और इन जेली फिश को मारना शुरू करे इसलिए गाइस दोनों जेली फिश को जो ना गाइस मैंने फटाफट से यहाँ पे जो है ना गाइस नॉकआउट कर लिया। एंड नॉकआउट करने के बाद जो है ना गाइस इन दोनों जेली फिश के अंदर जो है ना गाइस मैंने मीट के जो है ना टेम कर लिया। देख रहे हो गाइस देने वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के एक साथ जो है ना गाइस मेरे को यहाँ पे मिल चुके थी दो दो जेलीफिश। में काफी ज्यादा खुश था। इनको टेम करने के बाद मैंने थोड़ा और जो है ना गाइस देर यहाँ पे रेडवुड में थाइलोकोलियो को ढूंढा। मेरे को कोई खतरनाक सा थाइलोकोलियो दिखाई नहीं दिया इसलिए गाइस अपन सीधा निकल गए अपने घर पे। तो गाइस अगले दिन बारिश जाने के बाद यहाँ पे टाइम आ चुका था जो थाइलोकोलियो हम टेम करके लाए ना गाइस उस आर्मी को यहाँ पे देखने का। तो मैंने सारे थाइलोकोलियो जो ना गाइस वो यहाँ पे लाइन से लगा दिए और मैं खुद भाई यहाँ पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैंने इतने सारे थाइलोकोलियो जो ना गाइस यहाँ पे टेम करे रेडवुड में। तो गाइस देख रहे हो ये हमारी खतरनाक सी थाइलोकोलियो आर्मी। इस आर्मी में जो ना गाइस आपको हर एक तरह का थाइलोकोलियो जो ना गाइस वो देखने को मिलेगा और गाइस इसमें नॉर्मल से लेके प्राइम तक एकदम ओपी वाले थाइलोकोलियो है। तो गाइस ये रहा हमारा पहला नॉर्मल थाइलोकोलियो, उसके बाद गाइस ये हमारा प्राइम वाला थाइलो, उसके बाद ये है पॉइजन वाला थाइलो, फिर फायर थाइलो, वापस से प्राइम थाइलो गाइस, उसके बाद ये जो है ना गाइस ये हमारा टॉक्सिक थाइलोकोलियो, देन फायर थाइलो, वापस से प्राइम। भाई भाई कितने प्राइम टीम करे, उसके बाद लाइटनिंग थाइलो, उसके बाद अल्फा टॉक्सिक थाइलो, एंड उसके बाद गाइस अल्फा थाइलोकोलियो, एंड फाइनल आता है गाइस ओके सेकंड अल्फा थाइलोकोलियो। तो गाइस ये सारे के सारे थाइलोकोलियो जो है ना गाइस मैंने यहां पे टीम कर लेते और देख रहे हो गाइस कितनी ज्यादा बड़ी थाइलोकोलियो की जो आर्मी है ना गाइस वो यहाँ पे बन चुकी है। गाइस इस आर्मी के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब अभी के अभी मांगता है, मतलब मांगता है गाइस। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफी मायने रखता है गाइस हमारे लिए। तो फटाफट गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अभी इन थाइलोकोलियो के लिए जो है ना गाइस मैं बना रहा था गाइस पोशन, क्योंकि गाइस यहाँ पे अभी तक तीन या चार थाइलोकोलियो अपने पास नहीं थे। एक तो था आइस वाला, उसके बाद कर्स, एंड उसके बाद जो है ना गाइस इन्फर्नल थाइलोकोलियो। और उनको इवॉल्व करने के लिए जो है ना गाइस यहाँ पे मैंने फटाफट सटासट जो है ना गाइस पोशन बना डाले, एंड थाइलोकोलियो के सैडल जो है ना गाइस वो भी यहाँ पे मैंने बना दिए।
सारी चीजें बनाने के बाद जब मैं देखने को चला गया कि हमारे पास कितने थाइलो कोलियो है, क्योंकि गाइज इवॉल्व करने के लिए मेरे को दो थाइलो कोलियो सेम जो है ना गाइज, मतलब सेम कैटेगरी के चाहिए थे, मतलब दो लाइटनिंग थाइलो कोलियो होते तो इसमें से एक को मैं इवॉल्व कर देता, लेकिन मेरे पास जो है ना गाइज एक या दो थाइलो कोलियो कम पड़ रहे थे, क्योंकि मेरे पास दो फायर तो थे लेकिन मेरे को एक लाइटनिंग वाला चाहिए था, क्योंकि एक को जो है ना गाइज मैं कर्स में इवॉल्व करता एंड एक को मैं आइस में इवॉल्व करने वाला था, इसलिए ना गाइज मैं यहाँ पे ग्लाइडर लेके वापस से निकल गया गाइज थाइलो कोलियो की खोज में, और गाइज ज्यादा दूर तक मेरे को जाना नहीं पड़ा, थोड़ी सी दूर जाने पे जो ना गाइज मेरे को यहाँ पे थाइलो कोलियो मिल गया। एंड जब मैं थाइलो कोलियो को ढूंढने जा रहा था ना, तभी अचानक से यहाँ पे मेरे को थाइलो कोलियो भी भाई ऊपर पेड़ पे मिल गया, और नीचे हमारी प्यारी प्यारी सी छोटू मोटी सी अल्फा जेलीफिश मिल गई। भाई ये वही जेलीफिश है गाइस जो खो गई थी, भाई देख रहे हो गाइस यहाँ पे नदी किनारे या समंदर के किनारे आ गई थी भाई, क्या बावड़ी भाई जेलीफिश है। उसके बाद गाइस जो हमको थाइलो कोलियो मिला था ना गाइस, उसको मैंने एकदम मस्त देखी जो ना गाइस यहाँ पे ट्रैंक मार मार के नॉकआउट कर दिया, एंड नॉकआउट करने के बाद उसके अंदर मीट सीड डाल के मैंने उसको टेम कर लिया था। अभी इवॉल्व करने के लिए जितने थाइलो कोलियो अपन को चाहिए थे वो सारे थाइलो कोलियो तुम्हारे भाई के पास आ चुके थे। लेकिन गाइस बोलते ना लालच बहुत ज्यादा बुरी बला है, वो सही बोलते, क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइस मैं थोड़ा सा लालची हो गया और थाइलो कोलियो ढूंढने के लिए जब मैं जा रहा था तभी मेरा गेम ऑन इन एयर जो है ना गाइस क्रैश हो गया, और मैं सीधा जो है ना गाइस डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मेरे साथ क्या होने वाला था वो तो गाइस सर्वर में वापस से ज्वाइन करने के बाद ही मेरे को पता चलने वाला था। 3 days later तो जब मैं गाइस यहाँ पे सर्वर में ज्वाइन हुआ ना, तो एक थाइलो कोलियो मेरे को पप्पी दे जप्पी दे रहा था भाई, लाड में आ रहा था, पता नहीं चल रहा था ये कौन सा थाइलो कोलियो है, शायद पॉइजन वाला थाइलो कोलियो था। इसको जो ना ट्रैंक मार के मैंने यहाँ पे बेहोश कर दिया, और इसके अंदर भी जो ना गाइस यहाँ पे मीट सीट डाल के मैंने टेम कर लिया। लकीली जो ना गाइस मैं किसी खतरनाक से डायनो के हाथों नहीं लगाता, मैं थाइलो कोलियो को ही हाथों लगाता, और वही मेरे को जो ना एकदम सेफली अपने बाहों में जकड़ के बैठा था, और उसी को मैंने टेम कर लिया, और फिर मैं निकल गया गाइस अपने घर की तरफ। एंड घर पे पहुंचने के बाद अभी हमको जो ना गाइस इन थाइलो कोलियो को इवॉल्व करने का काम करना था। तो गाइस यहाँ पे मैंने चूज करा लाइटनिंग वाला थाइलो कोलियो, जो अभी मैं टेम करके लाया था ना गाइस उसी को मैं यहाँ पे अभी इवॉल्व करने वाला था। लेकिन इवॉल्व करने से पहले मेरे को उसकी मैक्स एक्सपी करनी थी, ताकि जब वो इवॉल्व हो जाए ना तब भाई वो एकदम खतरनाक एंड ओपी बन जाए। इसलिए जो ना गाइस फटाफट से मैंने एक्सपी विक्सपी पोशन डाल के जो ना गाइस उस लाइटनिंग थाइलो कोलियो को कर दिया मैक्स लेवल का, एंड अभी उसको इवॉल्व करने का टाइम आ चुका था ना मेरे बाजी। तो गाइस फटाक से जो ना गाइस उसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे आइस वाला इवोल्यूशन पोशन, एंड गाइस एक बटन दबाते ही हमारे थाइलो कोलियो का इवोल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो हमारा लाइटनिंग वाला थाइलो कोलियो अभी गाइस इवॉल्व हो चुका था आइस वाले थाइलो कोलियो में, और कितना ज्यादा ओपी और खूबसूरत लग रहा था भाई हमारा थाइलो कोलियो। गाइस देख रहे हो पूरा का पूरा बर्फ की तरह लग रहा है गाइस थाइलो कोलियो, और अपने मुंह से जो है ना गाइस यहां पे आइस बीम छोड़ रहा है, एक लाइटनिंग रे ही छोड़ रहा है, लेकिन वो आइस वाली लाइटनिंग रे है। तो गाइस इसको इवॉल्व करने के बाद अभी टाइम आ चुका था कर्स वाले थाइलो कोलियो को इवॉल्व करने का। जो सेकंड थाइलो कोलियो मेरे को जप्पी देके बैठा था ना गाइस, उसको मैंने चुना यहां पे भाई कर्स वाले थाइलो कोलियो में इवॉल्व करने के लिए, और इसको भी जो है ना गाइस मैंने यहां पे मस्त देखिए एक्सपी विक्सपी पोशन जो है ना गाइस वो सारे के सारे पोशन खिलाए, एंड अभी इसका भी जो है ना गाइस यहां पे इवॉल्व होने का टाइम आ चुका था। तो इसको भी जो है ना मैंने फटाफट से यहां पे मैक्स एक्सपी कर दिया, उसके अंदर भी जो ना गाइस मैंने डाल दिया यहाँ पे कर्स एक्सपी पोशन, एंड एक बटन दबाते ही हमारे थाइलो कोलियो का जो इवोल्यूशन है ना गाइस वो हो गया था कंप्लीट। तो ये रहा गाइस हमारा कर्स थाइलो कोलियो। आप बोलोगे ये तो नॉर्मल थाइलो कोलियो लग रहा है, इसमें क्या स्पेशल है? तो गाइस ये जो ना गाइस नॉर्मल वाला थाइलो कोलियो बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर से एक अजीब सी स्मोक निकल रही है, प्लस इसकी आंखें देखो एक भूत की तरह आंखें लग रही है, और जब भी ये किसी को बाइट बीट करता है ना तो उसको एक स्पेशल इफेक्ट पड़ता है, वो कौन सा पड़ता है वो अपन बाद में देख लेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो ना गाइस हमारी थाइलो कोलियो आर्मी रेडी थी, अभी इनको जो ना गाइस सैडल बिडल लगाने का काम करना था। तो फटाक से सटाक से जो ना गाइस मैंने सारे के सारे थाइलो कोलियो को यहाँ पे सैडल लगा दिया। अभी इन सारे थाइलो कोलियो का आपको जो ना गाइस अटैक दिखाना जरूरी है, अभी इन सबको जो ना गाइस मैं यहाँ पे जंगल बिंगल में लेके जाके जो ना गाइस इनका पावर व्यूअर तो नहीं दिखा सकता ना, इसलिए गाइस मैं यहाँ पे जो ना आपको इनका बेसिक अटैक ही दिखाने वाला हूँ। तो ये है गाइस हमारा नॉर्मल सा थाइलो कोलियो, इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं होता। हाँ ये किसी भी स्ट्रेट सरफेस पे जो ना गाइस क्लाइम कर सकता है,
बाइट अटैक कर सकता है और एक चिल्लाने वाला अटैक इतना ही गाइस इसके पास है। उसके बाद प्राइम टाइलो कोले की बारी आती है, इसके पास भी कोई स्पेशल अटैक नहीं होता, ये भी बस रोर करता है, बाइट करता है एंड इसके अलावा इसके पास कोई स्पेशल अटैक नहीं होता। उसके बाद गाइस यहाँ पे बारी आती है हमारे खतरनाक एंड ओपी से फायर टाइलो कोले की, तो इसके पास बाइट अटैक है, वो ये पॉइजन टाइलो कोले एक्चुअली में, और ये अपने मुंह से पॉइजन रे छोड़ने का काम करता है। देख रहे हो कितना खतरनाक सा अटैक है गाइस। उसके बाद हमारा खतरनाक सा फायर टाइलो कोलियो, तो फायर टाइलो कोलियो के पास बाइट अटैक है और अपने मुंह से फायर रे, भाई देख रहे हो एकदम खतरनाक सी फायर के कलर की जो ना गाइस रे छोड़ने का, लाइटनिंग छोड़ने का काम हमारा ओपीसा थाइलो कोलियो करता है। उसके बाद गाइस प्राइम थाइलो कोलियो था एंड उसके बाद जो ना गाइस हमारा था टॉक्सिक थाइलो कोलियो, तो टॉक्सिक थाइलो कोलियो के मुंह से जो ना गाइस देख रहे हो कैसे जहर नीचे टपक रहा है गाइस, ये किसी को भी बाइट करके थोड़ा सा टॉर्पोर चढ़ाने का काम उसको करता है। अगेन फायर थाइलो कोलियो, इसके पास वही अटैक है सेम वाला गाइस, अपने मुंह से फायर लाइटनिंग वो छोड़ने का, रे छोड़ने का। उसके बाद गाइस वापस से लाइटनिंग थाइलो कोलियो, लाइटनिंग थाइलो कोलियो अपने मुंह से जो ना गाइस थॉर के हैमर में से जैसे लाइटनिंग निकलते ना वैसे लाइटनिंग छोड़ने का काम करता है और इसके अंदर से देख रहे हो कैसे बिजलियां निकल रही है। ये थाइलो कोलियो जो ना गाइस मेरे को काफी पसंद आया। उसके बाद गाइस यहां पे बारी आते है अगले थाइलो कोलियो की, जो है गाइस हमारा प्यारा सा राम दुलारा सा, बाप रे इसमें तो भाई हवा में बैठ गया। ये गाइस अल्फा टॉक्सिक थाइलो कोलियो गाइस, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है और इसके पास भी कोई स्पेशल अटैक नहीं है। उसके बाद गाइस आता है हमारा अल्फा थाइलो कोलियो, तो इसके पास भी जो ना गाइस कोई स्पेशल अटैक नहीं है। एंड उसके बाद जो ना गाइस हमारा आगे जो ना गाइस रखा भाई नॉर्मल सा अल्फा थाइलो कोलियो, ये और वो थाइलो कोलियो जो ना गाइस सेम टू सेम है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि दोनों की जो भाई साइज है ना गाइस वो अलग-अलग क्यों है। एंड गाइस हमारा आइस थाइलो कोलियो तो आपको पता है ना अपने मुंह से गाइस एकदम खतरनाक सी बर्फ की जो है ना गाइस एक पिचकारी छोड़ता है गाइस, देख रहे हो आई थिंक इस बर्फ की पिचकारी से जो भी टकराएगा वो शायद फ्रीज हो जाएगा, मे बी भाई मेरे को पता नहीं, इसका अटैक अपन ट्राई मारेंगे कभी। उसके बाद आता है गाइस कर्स थाइलो कोलियो, जिसका अटैक मेरे को बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि गाइस यहाँ पे मैंने कभी भी कर्स थाइलो कोलियो टेम नहीं करा है, तो मेरे को इसके बारे में उतना खास पता नहीं। लेकिन इसके पास कोई भी स्पेशल अटैक नहीं है, इसका बाइट बीट अटैक जो है ना गाइस उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट देने का काम ये थाइलो कोलियो कर सकता है शायद। तो ये थी हमारी थाइलो कोलियो की आर्मी, काफी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी आर्मी है ना गाइस। और तुम्हारे भाई ने देख रहे हो इतने कम समय में, वैसे कम समय नहीं लगा, काफी ज्यादा दिन लगे आर्मी टेम करने के लिए, लेकिन फाइनली हमारी थाइलो कोलियो की जो आर्मी है ना गाइस वो यहाँ पे टेम हो चुकी थी। रुको जरा गाइस, सबर करो, इतनी जल्दी कहाँ पे जाने की है गाइस। एक थाइलो कोलियो के बारे में तो आप भूल गए, सबसे खतरनाक प्राइम वाला थाइलो कोलियो, और हम किसी भी प्राइम वाले डायनो को यहाँ पे इन्फर्नल डायनो में इवॉल्व कर सकते हैं। इसलिए गाइज अभी जो है ना गाइज टाइम आ चुका था सबसे खतरनाक वाला इवोल्यूशन यहाँ पे करने का। तो सबसे पहले मैंने अपना हाई लेवल का प्राइम वाला थाइलो कोलियो जो था ना गाइज उसको यहाँ पे बाहर निकाला एंड उसको फटाक से सटाक से जो ना गाइज यहाँ पे मैक्स लेवल का कर दिया, क्योंकि मैक्स लेवल का करने के बाद ही जो ना गाइज अपन उनको इवॉल्व करने वाले थे ताकि उनको स्टाइल जो ना गाइस वो काफी ज्यादा खतरनाक वाले मिले इवॉल्व होने के बाद। उसके बाद गाइस जैसे मैंने उसको मैक्स लेवल का करा, उसके बाद गाइस टाइम आ चुका था यहां पे इसको इवॉल्व करने का। इसका लुक जो है ना गाइस फाइनल टाइम देख लो, क्योंकि अभी इसको जो ना गाइस अपन एकदम खतरनाक वाले इन्फर्नल थाइलो कोलियो में करने वाले इवॉल्व, और एक बटन दबाते ही गाइस यहां पे जो इवोल्यूशन है वो हो गया शुरू। मैंने फटाक से सैडल निकाला गाइस, क्योंकि सैडल गायब हो जाता है उसको इवॉल्व करने के बाद, लेकिन ये थाइलो कोलियो के ऊपर अपन हवा में राइड कर सकते हैं डायरेक्टली, ये क्या बात है भाई। मैंने जो ना गाइस इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था यार मेरे को ऐसे हवा में उड़ते हुए, इसलिए जो ना गाइस इसको मैंने फटाक से जो ना गाइस सैडल पहना दिया एंड अभी एकदम ओपी वाला लुक आ रहा था गाइस। अभी तक का सबसे खतरनाक लुक वाइज जो थाइलो कोलियो मेरे को लगा वो थाइलो कोलियो है, इन्फर्नल वाला थाइलो कोलियो, एकदम खतरनाक थाइलो कोलियो है। रुक जाओ गाइस, अभी अपन जो ना गाइस इसको कंपेयर करते हैं भाई प्राइम वाले थाइलो कोलियो के साथ। और गाइस यहाँ पे साइज देखो भाई थाइलो कोलियो की, जो इन्फर्नल थाइलो कोलियो है ना गाइस वो प्राइम वाले थाइलो कोलियो से बड़ा है, क्योंकि प्राइम थाइलो कोलियो सारे अपने थाइलो कोलियो आर्मी में ना गाइस सबसे बड़ा था, और उससे भी ज्यादा बड़ा इन्फर्नल वाला थाइलो कोलियो दिख रहा था। और इसका डरावना लुक तो देखो गाइस, बताओ गाइस इसका लुक डरावना है
या नहीं गाइस, ठीक है बताना मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से। लुक देखो गाइस काफी डरावना लग रहा था और इसके अंदर से पर्पल कलर की एक लाइट निकल रही थी जो इसको खतरनाक और डेंजरस सा लुक दे रही थी। इसका लुक देख के मैं थोड़ा सा चौंक गया यहाँ पे। इसके बाद जो ना गाइस यहाँ पे टाइम आ चुका था हमारे इस थाइलो कोलियो को जो ना गाइस लेवल अप करने का, तो इसके अंदर मैंने फटाफट से एक्सपी पोशन डाल दिए और इसको कर दिया गाइस मैक्स लेवल अप। एंड मैक्स लेवल अप करने के बाद अभी टाइम आ चुका था इसका डैमेज चेक करने का। तो गाइस यहाँ पे जब मैंने इसका डैमेज चेक आउट कराना तो गाइस मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि मेरे को इस थाइलो कोलियो से काफी ज्यादा उम्मीदी थी और मेरे को लग रहा था थाइलो कोलियो काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे देगा, लेकिन यहाँ पे ये डैमेज नहीं दे रहा था, उल्टा ये जो ना गाइस एक बर्निंग अटैक दे रहा था। ये देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि ये बर्निंग अटैक बताना गाइस कौन सा डायनो दे रहा था। चलो गाइस कौन बनेगा करोड़पति, सही जवाब बताना सेम ऐसा वाला बर्निंग अटैक कौन सा डायनो दे रहा था। इसी भाई 600 डे वाली वीडियो में वो डायनो मैंने आपको दिखाया था जो सेम टू सेम ऐसा ही बर्निंग अटैक दे रहा था। गाइस वो कौन सा डायनो है नीचे कमेंट करके बता देना। और ये जो बर्निंग अटैक है ना, ये डायनो का जो हेल्थ है ना गाइस वो परसेंटेज में कम करता है। परसेंटेज में मतलब लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर कोई भी डायनो डायरेक्टली डेड, जो बिलियन में ट्रिलियन में क्यों ना हेल्थ हो। गाइस यहाँ पे देखो ये जो हमारा पीटी है ना गाइस, वो पीटी की हेल्थ भाई यहाँ पे लगभग 200K थी और ये जो भाई नीचे भाई ये चिपकली दिख रही है इसकी 1 मिलियन की हेल्थ थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26,000 वाला पीटी और नीचे जो हमारी चिपकली है उनकी हेल्थ जो है ना गाइस एक साथ यहाँ पे डाउन हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो है ना गाइस इनका जो हेल्थ है ना गाइस वो परसेंटेज में डाउन हो रहा है। और भाई सबसे पहले कौन मरता है वो देख लेते हैं, रुक जाओ गाइस। देखा गाइस दोनों के दोनों जो डायनो है ना गाइस वो एक साथ मर गए क्योंकि इनको बर्निंग डैमेज पड़ना जो ना एक साथ शुरू हुआ था। तो गाइस आपकी हेल्थ मिलियन में हो, बिलियन में हो, या 100 हो या 200 हो गाइस, आप जो ना गाइस जिसके बर्निंग अटैक से 1 से 1.5 मिनट के अंदर कंफर्म मरोगे, मतलब मरोगे। तो गाइस अभी मेरे को एक इन्फर्नल वाला थाइलो कोलियो जो ना गाइस वो थोड़ा थोड़ा पसंद आने लग गया था क्योंकि गाइस यहाँ पे ये किसी भी सरफेस पे चढ़ सकता था, प्लस गाइस ये किसी को भी एकदम खतरनाक वाला बर्निंग डैमेज देके पेलम पाल दे सकता था। तो गाइस जब मैं इसका जो ना गाइस यहाँ पे डैमेज चेक कर रहा था ना, तभी एक करप्टेड लाइटनिंग जो है ना गाइस खतरनाक सा रॉक ड्रेक आ गया और मेरे को मारने लग गया। अभी मैंने इसको क्यों नहीं मारा पता है क्या गाइस, क्योंकि मैं इसको जो ना टेम करना चाहता था, इसलिए गाइस मैं फटाक से जो ना गाइस पानी के अंदर गया और यहाँ पे एक मेरे को अजीब सा फ्रॉग भी दिखाई दिया था। तो मैंने बोला चलो भाई दोनों डायनो को एक साथ यहाँ पे नॉकआउट करके टेम कर लेंगे, इसलिए गाइस मैंने अपनी नागिन निकाली और नागिन से जो है ना गाइस यहाँ पे उस रॉक ड्रेक को और जो फ्रॉग था ना गाइस उस फ्रॉग को भी यहाँ पे फटाक से सटाक से मैंने नॉकआउट कर लिया। एंड दोनों डायनो को जो ना गाइस यहाँ पे एक एक करके उनके अंदर मिड बीट डाल के जो ना गाइस मैंने फटाक से सटाक से टेम कर लिया था। एंड उसके बाद गाइस मैं निकल गया गाइस यहाँ पे अपने बेस पे, अपना इन्फर्नल थाइलो कोलियो कतई ज्यादा ओपी था। अभी मेरे को देखना था रॉक ड्रेक और फ्रॉग जो है ना गाइस वो कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए गाइस मैं बेस पे गया और सबसे पहले मैंने उस फ्रॉग का और रॉक ड्रेक का जो सैडल है ना गाइस वो फटाक से सटाक से बना लिया क्योंकि अभी मैं उन दोनों को जो ना गाइस यहाँ पे टेस्ट करने वाला था। एंड गाइस सबसे पहले जो ना गाइस यहाँ पे अपन ने फ्रॉग के ऊपर सैडल लगाया और ये देख रहे हो गाइस फ्रॉग कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है गाइस, एकदम छोटू सा मोटू मोटू सा गोलू बोलू सा जो ना आटे का बोरा लग रहा है भाई ये। और गाइस ये फ्रॉग जो ना गाइस हवा में काफी ज्यादा बड़ी छलांग जो है ना गाइस वो मार रहा था यार। अभी ये जो हमारा फ्रॉग था ना गाइस ये दिखने में भले ही आटे का बोरा लग रहा था लेकिन फिर भी जो ना गाइस मेरे को इसका डैमेज भी मैं जो ना गाइस वो चेकआउट करना था। तो गाइस डैमेज चेकआउट करने से पहले जो ना गाइस जितने भी लेवल अप अपने इस फ्रॉग को आई थी ना गाइस वो मैंने कर ली और मैं निकल गया गाइस इसका डैमेज और इसके अटैक चेक करने के लिए। और भाई साहब इसके पानी के अंदर जो स्पीड थी ना गाइस वो देख के मैं चौंक गया गाइस, पानी के अंदर ये जो हमारा फ्रॉग था ना गाइस ये काफी ज्यादा स्पीड में तैर रहा था। और गाइस ये जिसको भी छूता है मतलब जिसको भी अटैक करता है ना गाइस डायरेक्टली वो डायनो एक फटके में यहाँ पे मर जाता है और उसको जो ना गाइस हार्वेस्ट करने का काम जो ना गाइस ऑन द स्पॉट जो ना गाइस हमारा ये फ्रॉग सर्जी जो ना गाइस वो कर रहा था। ये देखो गाइस वन शॉट में मेगलाडॉन की पेटी भाई। और गाइस यहाँ पे जो ना गाइस हमारा एक पैरा पैरा सा केकड़ा सिंह था उसकी भी पेटी जो ना गाइस इस खतरनाक से फ्रॉग सर्जी ने जो ना गाइस वो बना दी थी। एंड ये फ्रॉग जो है ना गाइस इसकी लेवल अप भी दबा दबा रही थी तो इसकी लेवल अप में फटाफट करते जा रहा था और यहाँ पे इसका डैमेज टच कर रहा था। एंड गाइस इसका जो है ना गाइस एक ब्लीडिंग डैमेज पड़ता है, प्लस गाइस जिसको भी हम बाइट करते हैं ना गाइस उसको धीरे धीरे करके टॉर्पोर चढ़ाने का काम भी जो है ना गाइस हमारा जो फ्रॉग है ना गाइस वो कर रहा था।
एंड उसके बाद गाइस मैंने इसका एक अटैक देखा जिसमें लिप क्लिक वाले अटैक में अगर अपन किसी भी डायनो को ऐसा मतलब टच भी कर लेते हैं ना लिप क्लिक वाले अटैक से, तो उसकी सारी की सारी चीजें हार्वेस्ट होकर अपने इन्वेंटरी में आ जाती है, मतलब डायरेक्टली वो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे अटैक बाय टेस्ट करने के लिए मैं उड़ उड़ के थोड़ा सा दूर जा रहा था, तभी लाइटनिंग वाला ये जो चिड़िया है ना गाइस ये मेरे सामने आई और इसको अटैक लग गया और उसका देख रहे हो अस्तित्व मिट गया गाइस, चुटकी बजा के डायरेक्टली यहाँ पे इस मैप से गायब कर देता है। देखो गाइस ये पीटी गायब, अरे रुको होगा होगा गायब, देख रहे हो गाइस, रुक जाओ गाइस, सामने भी एक पीटी था। तो गाइस ये देखो गाइस इसको भी ऐसा टच करेंगे, टच नहीं चुटकी बजाती है पीटी गायब गाइस, देख रहे हो ये वाला अटैक जो है ना गाइस ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ गया गाइस इस फ्रॉग का। प्लस यहाँ पे ये जो है ना गाइस इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा था ना कि गाइस मैं इसका दीवाना हो गया। अभी जो है ना गाइस टाइम आ चुका था रॉक ड्रेक को चेक करने का, तो फटाफट जो है ना गाइस मैंने यहाँ पे रॉक ड्रेक को बाहर निकाला एंड गाइस उसके ऊपर सैडल लगा डाला एंड ड्रेक का लुक देख के मैं थोड़ा सा भाई यहाँ पे चौंक गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रॉक ड्रेक है ना वो पूरा गंजा हो गया था यार, भाई क्या हो गया, बुढ़ा बिट्टा हो गया क्या, हर एक बाल जो है ना गाइस इसके शरीर से झड़ चुका था और भाई पूरा का पूरा गंजेड़ी बन गया था यार अपना रॉक ड्रेक। इसको देख के ना गाइस थोड़ी सी इसके ऊपर मेरे को दया आ रही थी, और प्लस जो है ना गाइस इनविजिबल भी नहीं हुआ था भाई, यहाँ पे सी दबाने से जो है ना गाइस हर एक रॉक ड्रेक इनविजिबल हो जाता है, लेकिन ये रॉक ड्रेक अजीब सा एक बाइट अटैक कर रहा था एंड मेरे हर एक बटन जो है ना गाइस वो दबा के देखा, लेकिन फिर भी ये रॉक ड्रेक जो है ना गाइस वो इनविजिबल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फटाफट जो है ना गाइस मैंने इसकी लेवल अप कर ली एंड गाइस मैं निकल गया गाइस इसका डैमेज चेक करने के लिए। ये रॉक ड्रेक जो है ना गाइस वो ग्लाइड तो कर पा रहा था यहाँ पे बड़े आराम से, लेकिन गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस ये इनविजिबल नहीं हो पा रहा था, वो मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी वाली जो प्रॉब्लम है ना गाइस वो लग रही थी। एंड जब गाइस मैं इससे जो ना इधर उधर ऐसा ग्लाइड कर रहा था तभी गाइस मेरे को दिखाई दी एक खतरनाक सी चीज। आप बोलोगे कौन सी चीज, तो गाइस साइड में देखो एकदम ओपी सा स्पेक्ट्रल डायर बियर, वो भी टेमेबल 405 लेवल का। मैं भाई इतना ज्यादा खुश हो गया ना गाइस इसको देख के, क्योंकि ये बियर भाई इम्पॉसिबल होता है मिलने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमने स्प्रेक्टल वाली काफी ज्यादा बॉस फाइट ली 3-4, लेकिन फिर भी हमको जो ना उनका टेमेबल वर्जन नहीं मिला था। तो मैंने फटाक से नाकिन को निकाल के जो ना गाइस इसको यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस डायर बियर को मैं यहाँ पे खोदूं। एंड गाइस ये डायर बियर अगर भाई पानी के साइड में जाके ऐसा खड़े होके देखो ना गाइस, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा क्रिस्टल से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है गाइस, और फुल टू इनविजिबल जो है ना गाइस दिखता है ये डायर बियर। इसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक था, इसके अंदर जो है ना गाइस मिड सीट डाल के जो है ना गाइस इस बियर को मैंने फटाक से सटाक से जो है ना गाइस यहां पे टेम कर लिया। एंड टेम करने के बाद भाई इस बियर को देखो तो गाइस मतलब क्या बोलूं गाइस, इसका लुक देख के जो ना गाइस मैं सच में चौंक गया गाइस, भाई इसका लुक जो ना गाइस वो एकदम खतरनाक सा था, और इसको जो ना गाइस चलाने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो मैं फटाफट गाइस अपने बेस पे चला गया, उसका जो ना गाइस सैडल बनाया एंड गाइस अभी टाइम आ चुका था इस खतरनाक ओपी से स्पेक्ट्रल डायर बियर को चला के देखने का गाइस। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था गाइस इसका लुक देखने के लिए। ओ भाई लुक तो देखो गाइस इसका कितना ओपी है भाई, पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ बियर लग रहा है, अगर ये किसी पत्थर बित्तर से टकरा गया ना तो बेचारा बिखर जाएगा गाइस, टूट जाएगा गाइस, क्योंकि ग्लास से बना हुआ बियर जो है ना गाइस सेम टू सेम एग्जैक्ट गाइस ग्लास से बना हुआ जो है ना गाइस डायर बियर ये लग रहा था, और इसका लुक देख के जो है ना गाइस मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था, और इसका डैमेज देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो गाइस फटाफट से जो ना गाइस मैं इसके ऊपर बैठा और मैंने सबसे पहले इसके अटैक्स देखे कि इसके पास कौन कौन से अटैक है। तो इसके पास नॉर्मल जो बियर के पास अटैक होते हैं ना गाइस वही अटैक थे, लाइक बाइट अटैक एंड गाइस पंजे से मारने वाला अटैक, ये दो अटैक जो ना गाइस वही सिर्फ इस बियर के पास थे। तो मैंने फटाफट से जो ना गाइस यहाँ पे एक्सपी पोशन जो है ना गाइस वो इसको खिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। फिर गाइस जब मैं इसकी लेवल अप कर रहा था ना, तब देखो गाइस ये हमारा पहला पहला शब्द बियर जो है ना गाइस कैसे टाटा बाय बाय गुड बाय करता है। देखो गाइस ये देखो टाटा बाय बाय गाइस, इस बियर के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, देखो तो कितना क्यूट है और इसका लुक खतरनाक है भाई, खतरनाक है। मैंने फटाफट से जो ना गाइस इस बियर को लेवल अप कर दिया और मैं लेके चला गया गाइस इसके स्पेशल अटैक्स देखने के लिए और इसका डैमेज देखने के लिए। तो गाइस हमारे बियर का जो डैमेज है ना गाइस वो उतना ज्यादा नहीं जा रहा था। हाँ गाइस इसका डैमेज जो है ना गाइस 3-4 लाख जा रहा था, और डैमेज टेस्ट करते करते ना यहाँ पे ऊपर लिखा है योर डंग बीटल हैज बीन डेड। मेरे को समझ में नहीं आया भाई डंग बीटल कैसे मरा,
मैं फटाफट गई अपने घर पे चला गया और घर पे जो है ना गई मेरे को अपना एक डंग बीटल दिखाई दे रहा था ग्रीन हाउस के अंदर। एक बीटल मैंने घर के अंदर रखा था नॉर्मल वाला बीटल, उसको जब मैं देखने के लिए चला गया तो वो वहां से गायब था भाई। मैंने जो ना काफी टाइम तक उसको इधर उधर देखा लेकिन मेरे को वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद गाइस मेरे को पता चला कि मैंने उसका इनेबल वॉन्डरिंग भाई करके रखा था और गलती से जब मैं अंदर बाहर भाई गेट से आते रहता हूँ ना तो शायद कभी अचानक से वो इस गेट से बाहर निकला होगा और बाहर निकलने के बाद या तो पानी में डूब गए या फिर शील्ड के बाहर कहीं पे जाके जो ना गाइस उसकी पेटी बन गई होगी। किसी ना किसी डायनो ने जो ना गाइस उसका गेम बजाया होगा ये मेरे को पता चल गया क्योंकि उसकी डेड बॉडी जो ना गाइस वो कहीं पे भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही थी। ये डंग बीटल एक डंग बीटल है ना गाइस वो अपना ग्रीन हाउस के अंदर था लेकिन दूसरा वाला मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं बोला छोड़ो भाई कहीं ना कहीं मर गया होगा, अपने पास अभी तक एक डंग बीटल है उससे अपन को इनफ फर्टिलाइजर मिल रहा है। तो मैं फटाक से जो ना गाइस वापस से यहां पे निकल गया बियर का डैमेज चेक करने के लिए एंड इस बार बियर को जो है ना गाइस मैं एकदम फुल स्पीड में लेके जाने लग गया गाइस। इसकी स्पीड जितनी ज्यादा उतना इसका डैमेज, तो इसका डैमेज यहां पे जा रहा था 7 लाख का जो कि काफी ज्यादा ओपी डैमेज मेरे को लगा। एंड गाइस इसको फुल स्पीड में चला के जो ना गाइस इसका मैं डैमेज चेक आउट करना चाहता था तो ये एकदम पुल टू फ्लैश से भी ज्यादा स्पीड में इसको मैंने चलाया और फिर भी इसका डैमेज जो ना गाइस यहां पे 7 लाख का ही जा रहा था। तो गाइस ऐसे जब मैं इसका डैमेज इधर उधर चेक आउट कर रहा था ना तो भी गाइस मेरे को एक चीज दिखाई दी, अगर मेरा डैमेज यहाँ पे किसी डायनो को, मतलब मैं किसी डायनो को अटैक करता हूँ ना गाइज और वो डायनो मेरे एक फटके में नहीं मरता तो उसको कोई तो स्पेशल इफेक्ट पड़ रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया कि वो इफेक्ट जो ना गाइज वो कौन सा है। मैंने काफी ज्यादा डायनोज के ऊपर वो इफेक्ट भाई चेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन मैक्सिमम डायनो जो ना गाइज वो मेरे एक फटके में यहाँ पे मर रहे थे। फिर गाइज बहुत ढूंढने के बाद मेरे को मिला एक खतरनाक सा डिमोनिक वाला पैरासोरस। जैसे मैंने उसको जो है ना गाइज अटैक करा ना वैसे गाइज यहाँ पे लिख के आया सोल बर्न करके भेज क्या के डिमोनिक पैरासोरस की जो आत्मा है ना गाइज उसको बर्न करने का काम हमारा एक खतरनाक सा क्रिस्टल वाला जो बियर है ना गाइज वो कर रहा था और उस रीजन से जो ना गाइज ये पैरासोरस एक जगह पे अटक गया था। मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ भाई। ये पैरासोरस काफी ज्यादा खतरनाक होता है, एक फटके में आपके किसी भी डायनो को मार सकता है ये पैरासोरस डिमोनिक वाला, लेकिन ये एक जगह पे अटका हुआ था ये देख के मैं काफी ज्यादा चौंक गया। लेकिन मेरे को ये पता चल चुका था कि हमारा खतरनाक सा जो बियर है ना वो काफी ज्यादा ओपी है और इसका जो सोल बर्न वाला अटैक है ना वो काफी खतरनाक है। इससे जो ना गाइस किसी बॉस को मारने की जरूर हम कोशिश करेंगे और देखते हैं उस बॉस को भी जो ना गाइस सोल बर्न वाला अटैक पड़ता है या नहीं गाइस। तो गाइज यहाँ पे हमारा सारा काम जो है ना गाइज वो खत्म हो चुका था। 600 डेज जो है ना गाइज वो हमने यहाँ पे सर्वाइव कर लेते। रुको गाइज कहाँ जा रहे हो, रुको जरा सबर करो, शाउट आउट तो लेके जाओ ना गाइज। तो अभी टाइम आ चुका था शाउट आउट लेने का। तो गाइज जिनको भी पता नहीं गाइज उनको मैं बता दूं इस पूरी की पूरी 600 डेज वाली वीडियो में या फिर इससे पिछले वाली वीडियो में जो भी मैं डायनो टेम करता हूँ ना गाइज आपको उस डायनो का जो है ना गाइज मतलब उस डायनो के लिए कोई खूबसूरत सा खतरनाक सा नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना है और जो भी नाम मेरे को पसंद आएगा ना गाइज सारे के सारे कमेंट में से मैं एक नाम जो है ना गाइज अगले वाले वीडियो में लाइक मैंने इस वीडियो में इतने ज्यादा डायनोस टेम करे तो इन डायनोस के लिए आपको कोई भी नाम सजेस्ट करना है और जो भी अच्छा नाम मेरे को लगेगा वो मैं अगले वीडियो में 700 डेज वाली वीडियो में अपने डायनो को दूंगा और जिस भी बंदे ने वो नाम दिया होगा उसको शाउट आउट मिल जाएगा। या फिर जो भी मैं क्वेश्चन पूछते रहता हूं गाइज इस वीडियो में उसका भी अगर आप आंसर देते हो ना तो आपको शाउट आउट मिल जाएगा। तो गाइज यहां पे हमारे एक भाई ने जो है ना गाइज आइस ग्रिफिन के लिए एकदम ओपी वाला नाम सजेस्ट करा है और वो नाम है गाइज आर्टिकोनो। और ये आर्टिकोनो शायद कोई एक पोकेमोन है, मैं पोकेमोन नहीं ज्यादा देखता इसलिए मेरे को पता नहीं है गाइज ठीक है। और ये आर्टिकोनो नाम जो है ना गाइज एनी ने अपने फर्स्ट ग्रिफिन को दिया था इसलिए ये सेम टू सेम नाम जो है ना गाइज मैंने इस आइस वाले ग्रिफिन को दे दिया और इसका लुक तो देखो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये आर्टिकोनो जो हमारा भाई पोकेमोन नहीं हमारा जो ग्रिफिन है ना गाइज ये किसी भी डायनो को यहाँ पे फ्रीज करने का काम करता है। देख रहे हो गाइस कैसे इन एलोसोरस को एक फटके में जो है ना गाइस यहाँ पे फ्रीज कर रहा है हमारा आर्टिकनो। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस नहीं थैंक यू सो मच पोकी स्वरूप ब्रदर इतना अच्छा नाम बताने के लिए एंड शाउट आउट टू यू पोकी स्वरूप ब्रो। तो गाइस ऐसे खतरनाक से नाम नीचे कमेंट में जो है ना गाइस सजेस्ट करते रहिए और शाउट आउट लेते रहिए। तो गाइस अभी बारी आती है सेकंड वाले शाउट आउट की। तो सेकंड शाउट आउट किसको मिलने वाले, मैंने पिछले एपिसोड में जो ग्रिफिन आर्मी टीम करी थी उसमें एक सवाल आपसे पूछा था कि मेरा
फेवरेट ग्रिफिन कौन सा है। तो गाइस जो पुराने बंदे थे उन्होंने फटाफट सटासट नीचे कमेंट में जो है ना गाइस यहाँ पे उसका आंसर बताया था। लेकिन गाइस एक बंदा जो है ना डिस्कॉर्ड पे आके उसने भाई हमको आंसर बताया कि आपका फायर ग्रिफिन भाई फेवरेट है। तो गाइस आयनी का आइस ग्रिफिन फेवरेट है और मेरा जो है ना गाइस फायर वाला ग्रिफिन फेवरेट है, क्योंकि फायर ग्रिफिन सबको जो है ना गाइस यहाँ पे जला के खाक कर देता है। तो गाइस वो जो बंदा है डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हुआ था और उसने डिस्कॉर्ड पे आके जो ना गाइस हमको आंसर बताया था, इसलिए गाइस उसको शाउट आउट तो बनता है। अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट ज्वाइन कर लो और हमारे व्लॉगिंग चैनल को एंड गाइस एनी के चैनल को भी चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जिसने बताया सही आंसर वो बंदा है गाइस प्रीतेश रंजन। तो थैंक यू सो मच प्रीतेश ब्रो सही आंसर बताने के लिए एंड शाउट आउट टू यू प्रीतेश ब्रदर। तो ऐसे ही गाइस यहाँ पे जो है ना नाम बताते रहे, क्वेश्चन के सही आंसर बताते रहे और शाउट आउट लेते रहिए गाइस। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसके जो है ना सही आंसर नीचे कमेंट में जो है ना डाल सको। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पे 600 डेज आर्क सर्वाइवल इवोल्व प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल यही पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपके लिए एक खतरनाक और दुख खबरी है और आपसे ज्यादा बड़ी वो दुख खबरी मेरे लिए। अभी मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ गाइस वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि वीडियो एंड करने के बाद मेरे साथ ऐसी चीज हुई है ना गाइज आपने जिंदगी में सोची ना होगी और मैंने भी जिंदगी में नहीं सोची थी। काफी ज्यादा बुरी खबर है गाइज और वो बुरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में गाइज, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ 600 डेज सर्वाइवल यही पे खत्म होता है। तो गाइज आज का एपिसोड कैसे लगा, आज की वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता देना। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, 7000 लाइक जैसे होंगे इसका अगला एपिसोड तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। तो भाई नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा के 7000 लाइक फटाक से कर देना और जो भी नए बंदे होंगे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और गाइज हमारी जर्नी अभी तक यहीं पे खत्म नहीं हुई, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है गाइज, क्योंकि प्राइमल फियर वाले डायनोज अभी हमने टेम करना शुरू करा है। प्राइमल फियर वाले डायनोज की जब आर्मी बनना शुरू हो जाएंगी, जब मैं खतरनाक से डिमोनिक डायनोज को टेम करूंगा, मैं खतरनाक से टायर 2 टायर 3 टायर 4 के बॉसेस से फाइट लेना शुरू करूंगा ना, तब असली मजा आने वाला है। क्योंकि इस बार सर्वर बूस्टेड नहीं है, आइस वाला खतरनाक सा जो भाई इलेक्ट्रिक आइस कोलोसस होते हैं उनके साथ फाइट लेने में हमारी हवा टाइट होने वाली है। तो गाइस पिक्चर तो अभी शुरू हुई है गाइस और खतरनाक सी चीजें अभी तक यहाँ पे इस सीरीज में आना बाकी है। लेकिन हमने जैसे तैसे करके 600 डेज यहाँ पे सर्वाइव कर लिए। तो आपको जो ना गाइस आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मिल देगा सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, और आपका इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया गाइज। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना गाइज ये वीडियो। तो मिलते हैं गाइज सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइज। मिलते हैं आपसे अगली खतरनाक सी वीडियो में, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और एक बुरी खबर भी बाकी है मेरे दोस्त। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were